हेलो 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 हेलो, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि तुमको ऑडियो एकदम क्लियर है. जल्दी जल्दी जल्दी. सर ऑडियो क्लियर है? दिखाई नहीं दे रहे आप. अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे हम. अभी दिखाई देंगे. सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. लो, दिख गए हम. और बताइए. एक बच्चा चैट पे लिख रहा है पीपी सर की एयरलाइंस भी हैं. अरे और नहीं तो क्या. चलिए चलो चलो चलो. सो विल स्टार्ट विद द कंपनी लॉ. लेट्स गो. आओ अपन स्टार्ट करते हैं. एक बारी मेरे को एक चीज बताओ कि जो हमने कल पढ़ा था क्या तुम लोग वो रिवाइज करके आए? जल्दी बताओ. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. लक्ष्य, तनिष, अंकिता, राम, प्रगुन, मुरारी झा, कृतिक, तरुण. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. क्या तुम लोग वो रिवाइज करके आए? कल जितना बेसिक्स हमने पढ़ा था वो रिवाइज करके आए? देखो एक चीज मैं तुमको बताता हूं, क्योंकि आज से कहानी थोड़ी सी भारी स्टार्ट होने वाली है. ठीक है? एक दो चीजें ना आज ही से दिमाग पे सेट कर लो कि सर जब हम इस पेपर को पढ़ रहे हैं ना, तो हमको मिनिमम टारगेट जो है ना, मिनिमम टारगेट, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, मिनिमम टारगेट जो आपको लेके चलना है ना, दैट टारगेट इज एटलीस्ट 70+. मिनिमम टारगेट आप मान के चलो कि आपको 70 से ऊपर नंबर लेकर आने ही हैं इन एनी केस. ठीक है? एटलीस्ट 70+ यू हैव टू स्कोर. बट सर वो कैसे आएंगे? दो तीन चीजें ना अपने आप से कमिट कर लो कि भैया हमको ऐसे करना ही है तो ही मेरे नंबर आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे. ठीक है? दो तीन चीजें आप अपने आप से कमिट कीजिए. वो दो तीन चीजें बस आपको करनी है एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर 70+. सर क्या क्या? फर्स्ट, कंसिस्टेंटली तुम डेली रिवाइज करोगे जो भी तुमको डेली पढ़ाया जाएगा. और ये चीज तुम हर सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ की मैं बात कर रहा हूं. कंसिस्टेंटली हर दिन आपको रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है. जो आज तुम पढ़ोगे वो आज के आज ही उसको रिवाइज करके साइड कर देना है. देखो 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास हो रही है. 2 2.5 घंटे की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आप उसको अगर उसी सेम डे रिवाइज करोगे ना, तो इट विल हार्डली टेक 1 आवर. शाम को आप 1 घंटा बस दो कभी भी, और 1 घंटा निकालकर उसको डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली रिवाइज करो. ठीक है? दूसरा, डेली बेसिस पर यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस. सर हाउ? देखो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं तो तुम्हें लिखवाऊंगा ही, तुम लॉ लिखोगे, बट आप क्या करो अभी कुछ, जैसे अभी आज नहीं हो पाएगा, बट सपोज अभी एक दो क्लासेस निकल जाएंगे तो फिर वील स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्या करो, एक दो क्वेश्चंस मैंने कराए घर पर, मैं तुम्हें करने के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा. तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाए ना, तो उसको सिंसियरली करना है. ऐसा नहीं है कि तुमको क्वेश्चन दिया, यहाँ पे तो हम कौन ही बैठे हैं सर के सामने, हम नहीं भी करेंगे तो कहाँ ही पकड़ लेंगे. तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, बट आप सोचो कि अगर आप नहीं करोगे ना सिंसियरली, तो फिर वो पास भी नहीं होगे. ठीक है? और वो मार्क्स भी नहीं आने वाले. तो ये चीज ध्यान में रख के चलना कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो घर पे, सिंसियरली आप उसको करो. सिट लाइक यू आर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन. आप ऐसे बैठो कि आप पेपर हॉल में बैठे हो, आपके सामने एक क्वेश्चन आया है. अगर मेरे सामने एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको कैसे लिखता, उसको लिखो वैसे. ठीक है? तभी ही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनेगी, क्योंकि यहां मेन फंडा सिर्फ और सिर्फ लिखने का है. ठीक है? अब एक बच्चा पूछ रहा है, राम पूछ रहा है कि सर अगर मान लो आगे हम भूल गए, तो एक चीज पूछता हूं. चल मैं बहुत बेसिक सी चीज पूछता हूं. अगर हम फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, मुझे एक चीज का आंसर करो, सिर्फ एक चीज का. व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? मेरे को एक चीज बताओ बस, कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? और मेरे को लग रहा है ये तुम बता दोगे.
मैंने मैंने तो अभी पढ़ाया भी नहीं, कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, क्या ये चीज हमको पता है? सर हम क्लास क्लास में अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बार रिपीटेटिवली बार 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 आती हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट हमको याद हो जाती हैं। मैं तुमको यही बोल रहा हूं कि जो चीज आप बार 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 करोगे ना, तो वो रिटेंशन आपकी उतनी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला कि आप भूल जाओगे उसको। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनीज एक्ट 2013। अब इतना आपको क्लॉज तक भी याद है, कैसे याद है? क्योंकि वो चीज हमने इतनी बार रिपीट कर ली कि वो हमको बाय डिफॉल्ट याद हो गई। तो आप एक चीज को एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, बार बार जब आप पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी रिटेन्ड, वो रिटेन्ड हो जाएगी। बट उसको रिटेन करने के लिए हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो वो रिटेन नहीं होगा। ठीक है, मैं ये मानता हूं, देखो आज पढ़ रहे हो, अभी आज पढ़ने के बाद पेपर होंगे आपके जनवरी में, मई में, सेप्टेम्बर में, सर तब तक तो हम भूल जाएंगे, तो नहीं भूलना ना आपको। प्रॉपर मैं प्लान बना के दूंगा कैसे कैसे बार बार रिवाइज करना है, और साथ ही साथ मैं भी रिवाइज करा रहा हूँ तुमको, उसके पूरा कोर्स खत्म होने के बाद भी तुमको रिवाइज करवाऊंगा। तो तुमको ये राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना, ये बहुत सॉलिड तरीके से साथ रख के चलनी है, क्योंकि ये अगर करोगे तो ही पेपर में आंसर्स लिख पाओगे। लॉ हमको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, बट जो मेन कैच है ना यहाँ पे, वो यही है दैट हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। अगर वो आंसर्स हम अच्छे से नहीं लिखेंगे ना, तो फिर हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ये चीज बहुत फोकस पे रखना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज मैं तुमको बोल रहा हूँ, हैव ट्रस्ट ऑन यू दैट यू कैन डू। फुल ट्रस्ट रखो अपने आप पे कि तुम कर सकते हो। ठीक है, और यहां तक आए हो, इंटर भी निकलेगा, फाइनल भी निकलेगा, एंड यू ऑल विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो तुमको सेल्फ डाउट 1% भी नहीं लेना। ठीक है, 100% ट्रस्ट रखो, और ट्रस्ट खुद पे भी रखना है और ट्रस्ट मुझ पे भी रखना है। ठीक है, 100% ट्रस्ट रखो कि भाई एकदम मस्त तरीके से करवा देंगे और तुमको अच्छे तरीके से करना है। ठीक, मेन कैच यही है, डेली रिवाइज करो, कंसिस्टेंटली रिवाइज करो, ट्राई टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस खुद से लिख के देखोगे ना, क्योंकि ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, हम जितना ज्यादा लिख के देखते हैं उतना हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको लिखना है, राइट। कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है डजेंट मैटर एट ऑल, बट अब ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये पक्का अपने आप से वादा करके चल कि बस मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, आई हैव टू क्लियर एट दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, चलो कल सर हमने क्या पढ़ा था, कल हमने बेसिक बेसिक सी बातें की थी कि सर जो कंपनीज एक्ट है, इस कंपनीज एक्ट को कौन लेकर आया, अच्छा कंपनीज एक्ट जो होता है उसके अंदर कितने सेक्शन है। तो मैंने बोला कि आपके इसके अंदर तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। सेक्शन नंबर वन, जिसमें आपको तीन चीजें लिखी मिलेंगी, एक टाइटल, एक कमेंसमेंट और एक एक्सटेंट। सेक्शन नंबर टू के अंदर आपको क्या मिलेगा, डेफिनेशन मिलेंगी। ठीक है, और सेक्शन नंबर थ्री से लेके सेक्शन नंबर 470 तक आपको क्या मिलेंगे, जो आपके लीगल प्रोविजंस हैं। बट उसमें से एक सेक्शन मैंने तुमको पढ़ाया था, दैट वाज सेक्शन नंबर 469। कंपनीज एक्ट के जितने भी मैटर होते हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है, मेरे को जल्दी से लिख के बताओ। कंपनीज एक्ट के जितने भी मैटर्स होते हैं उसको कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है, विच मिनिस्ट्री इज रेगुलेटिंग द कंपनी लॉ मैटर्स, वो मिनिस्ट्री का नाम लिख के बताओ जल्दी से। यू हैव ओनली 3 सेकंड्स, 1 2। चरित्री जल्दी थोड़ी करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट सेकंड। राइट सर, वो मिनिस्ट्री का नाम इज एमसीए। व्हाट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है, और हम पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जहां सीजी लिखा देखेंगे ना, ध्यान रखना, जहां जहां क्या लिखा देखेंगे, सीजी लिखा देखेंगे, तो सीजी का मतलब क्या रहेगा, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राइट, तो जहां जहां भी अपन सीजी लिखा देखेंगे हम समझ जाएंगे वो किसकी बात हो रही है, एमसीए की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो कंपनी लॉ के मैटर्स को डील करेगा। और सर ये जो हम एक्ट पढ़ते हैं, दिस लॉ इज अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। मैंने क्या बोला था, दिस लॉ इज द रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। वाई रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, क्योंकि सर लॉ के अंदर सब चीज आती है, एक्ट है, रूल्स है, सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशंस है। जो मेन कंटेंट प्रोविजंस के हैं, जो मेन प्रोविजंस है, वो इन्होंने कहां डाल दिया, एक्ट में। और मैंने बोला ये स्केलेटन अप्रोच पे बना हुआ है कि बेसिक कंटेंट आप कहां डाल दो, एक्ट में, बट उसका जो प्रोसीजरल पार्ट रहेगा वो कहां रहेगा, रूल्स में। और रूल्स कौन बनाएगा ये बता दो जल्दी से, बस एक बार ये बता दो कि रूल्स कौन बनाने वाला है। हाँ, सीजी कहीं, देखो वैसे तो सीजी का मतलब होगा कि आपका कौन है, एमसीए, बट वो सीजी अपनी पावर डेलीगेट कर देगा टू द आरडी। तो वो जहां पर आएगा वो मैं बताऊंगा कि कहां कहां पर सीजी ने अपनी पावर डेलीगेट की हुई है आरडी को। तो जहां पर वो लिखा रहेगा ना, दैट दिस पावर इज गिवन टू
आरडी, द पावर इज बीइंग डेलीगेटेड टू आरडी, तो वहां पर हम देखेंगे पावर इज डेलीगेटेड टू आरडी, ठीक है। अदरवाइज सीजी का मतलब क्या रहेगा, एमसीए। तो सर जितने भी एक्ट होंगे, जितने भी प्रोविजन होंगे एक्ट के अंदर, वो तो रहेंगे, बट उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, और वो रूल्स कौन बनाएगा, एमसीए। बट ये रूल्स बनाने की पावर एमसीए को दी किसने, सर रूल्स बनाने की पावर एमसीए को दी थी सेक्शन नंबर 469 ने, और सेक्शन 469 बोला कि भैया एमसीए आप इन इन मैटर्स पर जहां जहां बोलेंगे हम वो आप रूल्स बना सकते हो, और सीजी ने यानी कि एमसीए ने सेक्शन 469 की पावर को यूज करते हुए बहुत सारे क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, रूल्स मोदी जी बनाते हैं, ठीक है। चलो एक बच्चा कह रहा है रूल्स मोदी जी बनाते हैं, रूल्स आर टू बी मेड बाय, अच्छा मतलब मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी की है और रूल्स मोदी जी बनाते हैं ना बेटा, चंट। सो सर सेक्शन 469 सेज कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स, और मैंने बोला था कहां कहां पर रूल बनाने पड़ेंगे, तो जहां जहां सेक्शन में लिखा होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, आप लिखा देखोगे कि लैंग्वेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जहां लिखा रहेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड वहां वहां आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फिर उसके बाद हमने कुछ बात की थी कि सर टोटल 470 सेक्शंस हैं, और 470 सेक्शंस जो हैं वो हमारे 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, और यहां पर कुछ 7 शेड्यूल्स हैं, तो वो सब हमको पढ़ने हैं। सर सारे 470 सेक्शंस हमको पढ़ने हैं? नहीं, अभी सारे 470 सेक्शंस आपको इंटर लेवल पे नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इंटर लेवल पे यू जस्ट हैव टू स्टडी अप टू ओनली 148, सेक्शन नंबर 148 तक पढ़ोगे, और थोड़ा सा पार्ट और आगे वाला रहेगा फॉरेन कंपनी से रिलेटेड, वो पढ़ोगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी सब जो मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, फाइनल में, ठीक। फिर हम लास्ट में जाते आते ये बात कर रहे थे कि सर ये जो हम पढ़ रहे हैं सारा ही हमने पढ़ लिया, चलो एक कंपनीज एक्ट होता है उसके रूल्स भी हैं और बहुत सारे रूल्स हैं रेगुलेशन हैं, ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिया, बट मेन बात लास्ट की क्लास में यहीं पर छूटी थी कि सर एक चीज बताओ, ये जो पूरा कंपनीज एक्ट है ये एप्लीकेबल किस पे होता है? और आज ना बिल्कुल आंखें एकदम खोल के बैठना, ठीक है, भयंकर एनालिसिस होने वाला है, ट्रस्ट मी द एनालिसिस यू विल लव, एक्चुअली लव, और तुम आंसर करोगे तो ही तुमको समझ में आएगा, वरना फिर इस एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। या तो देखो प्लेन प्लेन पढ़ लो, तुम मेरे को क्लास की स्टार्टिंग में बता दो मैं तुमको क्या बिल्कुल प्लेन प्लेन पढ़ा दूं, मेरा तो मन नहीं है कि मैं तुमको प्लेन प्लेन पढ़ा दूं, मेरा तो मन यह कि मैं तुमको इतना भयंकर एनालिसिस करवा दूं कि एकदम मजा आ जाए तुमको, तो वैसे ही तुम पढ़ोगे, ठीक है, बट मेक श्योर दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड मी, तुम मेरे को बिल्कुल एकदम साथ में इंटरेक्टिव तरीके से ना मेरे साथ क्लास में रहोगे और तुम मेरे को आंसर करोगे, पक्का प्रॉमिस, पक्का। सुने सर एक बार बताओ ये जो कंपनीज एक्ट है ये लगेगा किस पे, मतलब हम इस पूरे एक्ट में किसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, कंपनी को। तो यानी कि सबसे पहला सवाल तो यही आता है, लिखो आज कॉन्सेप्ट नंबर 1, लिखो और साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कंपनीज एक्ट है सर ये एप्लीकेबल होगा ऑन द कंपनी, जल्दी लिखो एप्लीकेबल ऑन द कंपनी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर सर ये कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, अगर ये कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो मेरे को सबसे पहले जानना यह जरूरी हो गया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी। सर कंपनी का मतलब क्या होता है, पहले आप हमें यह बता दो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी। तो कंपनी मतलब क्या, तो कंपनी को डिफाइन किया गया इन द सेक्शन 2 क्लॉज 20। सर एक चीज बताओ, आप बोले सेक्शन 2 फिर आप बोले क्लॉज, पर हमने तो ये सुना हुआ है कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है, फिर क्लॉज आता है, फिर सब क्लॉज आता है, फिर कुछ ऐसा रहता है, तो फिर आप सेक्शन के बाद क्लॉज क्यों बोल रहे हो, डायरेक्टली सबसेक्शन क्यों नहीं बोल रहे? उसका रीजन मैं बताऊंगा पर अभी नहीं बताऊंगा, अभी रुक के चलो जहां सही टाइम आएगा ना आई लेट यू नो, आई एक्सप्लेन दिस थिंग कि यहां सेक्शन के बाद क्लॉज क्यों आया और सेक्शन के बाद सबसेक्शन क्यों नहीं आया, ठीक है, और किसी और सेक्शन में यहां सेक्शन के बाद सबसेक्शन क्यों आया क्लॉज क्यों नहीं आया। तो आई विल गिव द रीजन, प्रॉपर लॉजिक है इसका, बट अभी रुक जाओ, अभी पहले थोड़ा सा, अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है, ठीक है, अभी चलो। सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी, सेक्शन आता है फिर सबसेक्शन, नालायक, सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है फिर क्लॉज फिर आइटम,
लायक। सेक्शन टू क्लॉज 20, सर सेक्शन टू क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन दी गई। आओ मैं एक काम करता हूं, वेयर पढ़ते हैं, पढ़ो। अभी मैं कुछ और बेसिक बात नहीं कर रहा, मैं कोई चैप्टर का स्टार्टिंग अभी नहीं कर रहा। फर्स्ट सेक्शन वन में क्या लिखा है, टू में क्या डेफिनेशन है, सीधा आप एक काम करो मेरे साथ आ जाओ सिर्फ एक डेफिनेशन पर, और उसका नाम है सेक्शन टू क्लॉज 20, और एक लाइन पढ़ो देखो क्या लिखी हुई है। सेक्शन टू क्लॉज 20 क्या बोलता है, सेक्शन टू क्लॉज 20 सेज दैट कंपनी मींस अ कंपनी। ओ क्या बोला, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। यही रुक जाओ, इसी एक लाइन पे अभी घूमते रहोगे। एक चीज बताओ, क्या मैं इसकी इंग्लिश की हिंदी करूं तो मुझे साफ साफ से यह समझ में आ रहा है कि कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो इस एक्ट में बनी या किसी पहले एक्ट में बनी, तो खत्म हो गया सर कंपनी की डेफिनेशन तो खत्म हो गई, चलो 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 आगे चलो। ऐसे नहीं होता, सबर करो, कंपनी मींस अ कंपनी, यही रुक जाओ और वापिस चलते हैं कि सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा कंपनी मींस अ कंपनी। सर ये दो बार कंपनी क्यों आया, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी मींस अ कंपनी। पहले तो यही रुको, क्या यहां मींस लिखा है या इंक्लूड्स लिखा है। मैंने कल लास्ट वाली क्लास में एक चीज समझाई थी कि दो प्रकार की डेफिनेशन रहती है, एक मींस और एक इंक्लूड्स। जहां मींस लिखा है उसका मतलब है कि ये इसका मतलब है, अब इसमें कुछ और इंक्लूड नहीं होगा, और अगर इंक्लूड्स लिखा है तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है कि इसमें और भी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। तो यहां लिखा कंपनी मींस। देखो लॉ पढ़ने का सही तरीका यही है, बेयर लैंग्वेज उठाओ, उसे एनालाइज करो, लिखो और याद करो, और पेपर में क्वेश्चन का आंसर लिख के आओ। अगर हम ऐसे प्लेन इंग्लिश की हिंदी करने बैठेंगे ना तो पेपर के जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो हमसे सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। सो ट्राई टू बी दैट प्रोएक्टिव कि भैया एक भी शब्द लिखा है ना, आई हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, यहां एक एक वर्ड पे मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना सर, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी। तो ये जो कंपनी लिखा इसका मतलब है, अच्छा एक बात बताओ, क्या एक सिंगल पर्सन कंपनी बना सकता है, ओपीसी बना सकता है ना। अब सर ये ओपीसी क्या होता है, ओपीसी बोलते हैं वन पर्सन कंपनी, ये अकेला बंदा पर्सन एक कंपनी बना सकता है। बट एक्सेप्ट ओपीसी, क्या कंपनी बनाने के लिए मैं बोलूं मिनिमम दो लोगों की आवश्यकता तो चाहिए, यानी कंपनी इज ऑल्सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या कंपनी पार्टनरशिप भी क्या होता है सर, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, ठीक है। एचयूएफ भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी में भी कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये बात कर रहा है दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। कंपनी का मतलब वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट होंगे या एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। रुक जाओ, आराम आराम से चलो, मैं कोई जल्दी नहीं भाग रहा, बिल्कुल तसल्ली बख्श समझाऊंगा और तसल्ली से सुनना, ठीक है। कंपनी का मतलब क्या होता है सर, कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी। अब ये जो कंपनी लिखा इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम कंपनी बोलेंगे विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब सुनते जाना जरा ध्यान से सर, ये बोला कंपनी का मतलब वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेट हुए या तो इस एक्ट के अंदर या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। पहले तो मैं यही याद करवा देता हूं, मुझे याद करवाओ एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में कौन कौन से प्रीवियस कंपनी लॉ है। अभी चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, क्या इससे पहले भी होता था क्या सर, हाँ इससे पहले भी होता था, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले होता था, कंपनीज एक्ट 1956। तुम चैट पे लिखते जाना, मेरे को तुम लोगों की चैट दिख रही है, ठीक है, आई एम एबल टू सी बोथ द चैट्स, जो आपकी ऐप वाले बच्चे हैं उनकी भी चैट मेरे को दिख रही है, यूट्यूब लाइव वाले बच्चों की भी चैट मेरे को दिख रही है, आप लिखते जाओ और मैं यहां पे लिखता जाऊंगा। कंपनीज एक्ट 1956 सर, इससे पहले भी होता था क्या, हाँ इससे पहले भी होता था, कंपनीज एक्ट 1913 सर, इससे पहले भी होता था क्या, हाँ इससे पहले भी होता था सर, कंपनीज एक्ट 1882
सर इससे पहले भी होता था क्या? हाँ इससे पहले भी होता था, कंपनीज एक्ट 1856। सर इससे पहले भी होता था क्या? हाँ इससे पहले भी होता था, कंपनीज एक्ट 1850। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। सर ये जो प्रीवियस कंपनी लॉस थे, अगर हमारी कंपनी इन लॉस के अंदर बनी है तो उसे भी कंपनी माना जाएगा, और अगर हमारी कंपनी अभी इस वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसे भी कंपनी माना जाएगा। अब पहले थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना, लिखेंगे आराम से। मान लेते हैं कि हम कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल हम पांच लोगों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म करी और उसे हमने इनकॉर्पोरेट करा लिया आज। तो मुझे बताओ, आज अगर मैं इनकॉर्पोरेशन कराऊंगा तो आज हमारी कंपनी कौन से एक्ट में इनकॉर्पोरेट होगी? जल्दी से आंसर लिखना है, फटाफट से 200 की स्पीड पे आंसर लिखना है, बिल्कुल एकदम टक 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 टक। अगर आज मैं कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराऊंगा तो वो आज वाली कंपनी किस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट होगी? सर आज जो एक्ट चल रहा है वो है कंपनीज एक्ट 2013, और आज जो मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट होगी, और वो आज के बाद चलती रहेगी, और उस पर ये जो एक्ट है 2013 ये जो है ये एप्लीकेबल होता रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। पर सर एक बात बताओ, जैसे हमने कंपनी का नाम सुना है उसका नाम है टाटा स्टील, जल्दी से बताओ क्या नाम है? टाटा स्टील। सर टाटा स्टील जो है, टाटा स्टील जो है वो 1907 में बना था। ओ कब बना था? 1907 में। टाटा स्टील वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1907। अब टाटा स्टील जब 1907 में बना था तो अगर 1907 में बना था तो मुझे बताओ वो कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ होगा? अंडर विच एक्ट द टाटा स्टील गॉट इनकॉर्पोरेटेड एट दैट टाइम? उस समय टाटा स्टील किस एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट हुआ होगा? जल्दी से लिख दो चैट में प्लीज। टाटा स्टील कौन से एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ होगा? मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी बुद्धि सुबह सुबह कितनी चलती है। टाटा स्टील कौन से एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ? जिसका सही आंसर आया ना उसको मेरी तरफ से 100 रुपए पेटीएम। कृतिक का सही आंसर है। सुनो सर, ये एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ अंडर द एक्ट 1882। नालायको 1913 मत बोलना, 1913 तो उसके बाद आया, 1907 में तो कंपनी बन गई, 1913 में बाद में एक्ट आया, 1907 में तो कंपनी बन गई थी, तो जब 1907 में कंपनी बनी तो वो अंडर 1882 इनकॉर्पोरेट हुई होगी। अब एक बार सोच के देखो, 1882 वाला एक्ट 1913 के आते ही रिप्लेस हो गया, और जैसे ही 1913 हटा तो 1956 आ गया, और 1956 हटा, 1956 हटा तो 2013 आ गया। मैं ये समझाना चाह रहा हूं सर, अगर 2013 जब आया और 1956 हट गया, 1956 ने 1913 को हटा दिया, 1882 हट गया, अब जिस एक्ट के अंडर वो कंपनी बनी वो एक्ट तो आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो तो एक्ट ही खत्म हो गया। और अगर मैं आज वाले एक्ट में ये लाइन ना लिखता, मैं सिर्फ ये लिखता कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अगर मैं ये लिखता और मैं ये लाइन ना लिखता तो आप एक चीज सोच के देखो कि जिस एक्ट के अंतर्गत आपकी कंपनी बनी आपने वो एक्ट तो पूरा रिपील ही कर दिया, वो तो खत्म ही हो गया, और जो नया एक्ट उसको सक्सीड करने आया उसमें आपने वो वाली कंपनी को इंक्लूड ही नहीं करा। तो क्या मैं बोलूं, अगर ऐसा हो जाता कि ये लाइन ना लिखी होती तो टाटा स्टील तो अनरेगुलेटेड ही रह जाता ना? बोलो हाँ। यस सर, अगर ये लाइन में ना लिखता तो टाटा स्टील अनरेगुलेटेड रह जाता। सर कैसे? क्योंकि जिस एक्ट के अंडर आप इनकॉर्पोरेट हुए वो एक्ट खत्म हो गया, और जो नया सक्सीडिंग एक्ट आया उसमें आपको जगह नहीं मिली, तो फिर ये वाली कंपनी को रेगुलेट कैसे करते? तो इसलिए इन्होंने एक लाइन और डाली। मैं तुमको फिर बोल रहा हूं, प्लीज ट्रस्ट दिस थिंग, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में वर्ड्स का मतलब क्या होता है। इंग्लिश की हिंदी वाली कहानी नहीं है भाई, अगर एक एक वर्ड भी लिखा है ना, देयर इज सुपर डुपर हैवी लॉजिक बिहाइंड दैट, कि अगर ये लिखा डेफिनेशन में तो क्यों लिखा, ठीक है? और आज की क्लास में तुमको ये रियलाइज हो जाएगा अच्छे से। एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, सर ये लिखना जरूरी था क्योंकि अगर ये ना लिखते तो वो कंपनीज जो उस एक्ट में बनी वो आज सक्सीड एक्ट में अगर इंक्लूड नहीं होती, सक्सीडिंग एक्ट में, तो फिर उनको अनरेगुलेटेड ही रह जाती, उनको कोई रेगुलेट करने वाला ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये लिखा गया कि कंपनी का मतलब वो कंपनीज जो पुराने एक्ट में बन गई हैं वो इस एक्ट में भी कंपनी मानी जाएंगी, और जो कंपनीज इस एक्ट में बनेगी वो तो कंपनीज है ही है, बट पुराने एक्ट वाली को भी इस एक्ट में कंपनी माना जाएगा। इज इट क्लियर? जल्दी से चैट पे लिख दो फटाफट।
जल्दी जल्दी जल्दी, यहां तक की कहानी समझ में आ गई सर। कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में बनी, वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी या फिर किसी पहले वाले प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी। सर जो आज मैं अगर कोई कंपनी बनाने निकला और आज मैं उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराऊंगा तो आज मेरा रजिस्ट्रेशन होगा अंडर दिस एक्ट, तो भी मैं कंपनी माना जाऊंगा। बट पुरानी जो कंपनी चली आ रही है क्या उन्हें हम कंपनी नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। टाटा स्टील क्या है? कंपनी है। इंफोसिस क्या है? कंपनी है। रिलायंस क्या है? कंपनी है। बट क्या रिलायंस, क्या रिलायंस कंपनीज एक्ट 2013 में बना? क्या रिलायंस 2013 के बाद बना? नो सर, रिलायंस तो पहले बना बट 2013 का एक्ट तो अब आया। तो क्या ये जो 2013 वाला एक्ट है क्या ये उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? क्या रिलायंस को फॉलो नहीं करना कंपनीज एक्ट 2013? करना है ना। क्यों करना है? क्योंकि सर कंपनी की डेफिनेशन में यह शब्द लिखा हुआ है कि इस एक्ट में हम उस कंपनी को कंपनी मानेंगे जो या तो इस एक्ट में बनेगी या फिर अगर आप पहले बन चुके हो तो भी आप इस एक्ट में भी कंपनी माने जाओ। समझ में आ गई बात? मुरारी भैया क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? चले आगे। अब एक बात बताओ सर, जो कंपनी पहले इनकॉर्पोरेट हुई हम उसे कंपनी तो मानेंगे, ये तो क्लियर हो गया हमको। अब दूसरी बात क्या आती है, इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट होने का मतलब क्या? हाउ वी गेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बट सर डेफिनेशन में सिर्फ एनीदर प्रीवियस ने लिखा है और फिर इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी को कंपनी बोल दिया, मतलब उनका लॉ भी कॉर्पोरेट लॉ हो गया। वो सेक्शन वन में मैं बताऊंगा कि वो क्या लिंकिंग है, अभी मैं उसको सेक्शन वन को यहां पे नहीं खोल रहा, वो मैं समझाऊंगा कि उन पर कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, कह रहे 1856 1956, फिर उसके बाद 1913 तो 2013, हर 100 साल पे नया एक्ट आता है। सुनो इधर सर, कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है अंडर 2013? एक चीज बताओ, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी अंडर 2013? हाउ कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013? सर कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर होना, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर होना। ठीक है, तुमको जो भी लगे ना कि सर मेरे को ये वर्ड का भी मीनिंग नहीं आता, देखो एक प्रॉब्लम कई बार ऐसी भी रहती है कि सर हमको समझ में सब आता है बट वी आर नॉट एबल टू राइट बिकॉज ऑफ कि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ वर्ड्स हमको समझ नहीं आ रहे, क्योंकि देखो लॉ में कई सारी ऐसी लैंग्वेज रहेगी जो बहुत टेक्निकल रहेगी, अभी ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, तो जो भी ना समझ में आए खुला एकदम बिंदास पूछो, तुमको क्या टेंशन लेनी है यार, इस चीज से शर्माना है, जो लिखना है लिखो चैट पे, ओए जो लिखना है लिखो, मतलब जो तुमको पूछना है वो पूछो। ठीक है, काम की बात, जो लिखना है लिखो, पता चले कुछ भी लिख रहा है नालायक। ठीक है, हाउ द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि सिंपल लिखो कॉल्ड रजिस्टर्ड। सर हाउ द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो इसके लिए पता है आपको एक सेक्शन बना हुआ है, दैट इज सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सर आज सेक्शन 7 पढ़ाने वाले हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो सेक्शन 7 बात करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेक्शन 7 बात करता है कि हाउ द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। इज इट क्लियर? इनकॉर्पोरेटेड इसलिए लिखा है राम क्योंकि फिर उसके बाद उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सर सेक्शन 7 बात करता है कि कंपनी का क्या करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा, और सेक्शन 7 बोलता है, एक फॉर्म रहता है INC 32। अभी से थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू करो। सेक्शन 7 में एप्लीकेशन जाती है तो जो भी पर्सन मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं, मान लो ये सब लोग मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं तो ये मिलकर एप्लीकेशन लगाएंगे। कल मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन किसको लगती है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जल्दी से लिख दो, आई हैव टोल्ड यू, मैंने बताया था।
सर एप्लीकेशन लगती है, वेरी गुड, आरओसी को एप्लीकेशन लगाई जाएगी, आरओसी को, आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया था, सबसे ऊपर एमसी आता है, फिर उसके नीचे आरडी आते हैं, और आरडी के नीचे कौन आते हैं, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ये जो एप्लीकेंट्स होंगे यानी ये जो ग्रुप होगा ना, ये मिलकर एप्लीकेशन डालेगा किसको, आरओसी को, कि आप हमारी कंपनी क्या कर दीजिए, इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। पर एक बात बताओ सर, सेक्शन 7 ये बोलता है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा दो, और कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए एप्लीकेशन डाली जाती किसके पास, आरओसी के पास। अब मुझे एक सवाल दिमाग में आया कि ये जो लोग होंगे ये कितने होंगे, मतलब कितने लोग एप्लीकेशन लगाएंगे। तो सर अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, मेरे साथ साथ आ जाओ, अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो आपको कम से कम कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, दो। ये अब हम सर क्लास 11th में भी पढ़ के आए कभी, तो सर अगर हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, मैं बोल रहा हूं मान के चलो तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है तुमने, बिल्कुल एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो सब मैं बता रहा हूं तुम सुनते जाओ बस। और अगर सर हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए हमको कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होगी। अगर मैं प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूं तो मिनिमम आई रिक्वायर 2 पर्सन, और अगर हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम मुझे 7 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इज इट क्लियर? यस सर। पर ये सर 2 लोग चाहिए और ये 7 लोग चाहिए, ये कहां लिखा है, ये लिखा है सेक्शन नंबर 3 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यू कैन सी दैट हाउ द सेक्शंस आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। मैं पढ़ा रहा था सेक्शन 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 20 लिंक हुआ विद द सेक्शन नंबर 7 एंड नाउ लिंकिंग विद द सेक्शन नंबर 3। दोबारा पढ़ते हैं सर, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 क्या बोला, कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी का मतलब वो कंपनी होगा जो या तो इस एक्ट में बनेगी या फिर जो या तो इस एक्ट में बनेगी या फिर नालायक राम वो पब्लिक में 3 डायरेक्टर चाहिए होते मिनिमम। चपेट अपने आप के मार ले, मैं तो मार नहीं सकता तेरे। सुनो, कंपनीज एक्ट में या तो इस एक्ट में रजिस्टर हो गए या फिर आप पहले किसी एनी अदर प्रीवियस लॉ में रजिस्टर हुए हो। सर अगर प्रीवियस लॉ में रजिस्टर हुए तो भी इस लॉ में क्या माने जाओगे, कंपनी माने जाओगे, या फिर इस एक्ट में रजिस्टर हुए तो भी कंपनी माने जाओगे। अब इस एक्ट में अगर मुझे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कंपनी का मुझे इनकॉर्पोरेशन कराना है, तो आई हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी, आरओसी को एप्लीकेशन लगानी है। ये बात कहां लिखी है, सेक्शन नंबर 7 में। अब से इसको याद करते चलना, यही ही ट्रिक है अच्छे से लॉ पढ़ने की, कि पूरा लॉ जो इंटरकनेक्टेड है ना, आप उसको इंटरलिंक करके पढ़ो। ऐसे नहीं कि सीधा एक चैप्टर उठाया, सेक्शंस पढ़े साइड, फिर दूसरा उठाया सेक्शंस पढ़े साइड, नो, आप उसको पूरा कनेक्ट करके पढ़ो। द क्लैरिटी यू विल गेट ना, इट विल बी ऑफ सुप्रीम लेवल, मैं तुमको बोलता हूं, ठीक है। और सेक्शन 7 ने बोला कि भैया एप्लीकेशन लगाओ किसको, आरओसी को, आरओसी को एप्लीकेशन डाली जाएगी अंडर सेक्शन 7। पर कितने लोग मिलकर एप्लीकेशन डालेंगे, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो कम से कम 2 लोग, और अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 7 लोग, और ये 2 लोग या 7 लोग चाहिए होंगे। ये बात कहां लिखी है, सेक्शन नंबर 3 में। क्या इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से चैट पे लिख दो यस सर। इतनी इतनी बात हमको समझ में आ गई है, यस सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब सेक्शन 3 बोलता है कि भैया प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है और पब्लिक कंपनी में पर्सन 7 रिक्वायर्ड है कम से कम। इज इट क्लियर? हाँ यस सर। जब मैं आपको सेक्शन 3 पढ़ाऊंगा, देखो थोड़ा याद रख के चलना है ना, सेक्शन 3 जब मैं पढ़ाऊंगा तो सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है 2 और मोर पर्सन। क्या बोला मैं, 2 और मोर पर्सन और 7 और मोर पर्सन, ठीक है। अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस, अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, और 7 या 7 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। सर जब ये एप्लीकेशन डालेंगे किसको, आरओसी को, और मैंने बोला कौन से फॉर्म में डालेंगे, आईएनसी 32 में, तो उसके बाद सारा वो प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आरओसी क्या कर देगा, कंपनी को रजिस्टर कर देगा, और जब आरओसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देगा, रजिस्टर कर देगा, तो आरओसी जो है वो कंपनी को, आरओसी जो है वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, जिसमें ये लिख देगा दैट यस नाउ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी क्या हो गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, दिस विल बी पर्सन में इनकम टैक्स एक्ट वाला चलेगा नहीं, अभी मैं बता रहा हूं सुनो। तो सर यहां पर ये जो कंपनी है, आरओसी इस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा इन द फॉर्म नंबर INC 11, इन द फॉर्म INC 11,
ठीक है, इन द फॉर्म INC 11। अब सर वो देखो, जब मैं सेक्शन 3 पढ़ाऊंगा ना तो मैं उस पे आऊंगा कि इस पर्सन में कौन कौन आता है, इट कुड बी नेचुरल, इट कुड बी आर्टिफिशियल, ठीक है, कौन आता है वो मैं बताऊंगा, अभी रुक के चलो। सर अगर प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता है, पब्लिक कंपनी बनाते हैं मिनिमम 7 लोगों की आवश्यकता है, और ये एप्लीकेशन लगाएंगे किसको, आरओसी को, और जब ये आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे तो आरओसी इनको क्या कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा और कंपनी क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। ये जो लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं ना, इन लोगों को एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है MOA। क्या बोला मैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, MOA। MOA बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। थोड़ा थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर MOA, 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 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर इन दोनों में क्या फर्क है, ये क्या होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, इसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे रहेंगे, कंपनी का नेम लिखा रहेगा कि नेम क्लॉज, मतलब कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म की जा रही है, यानी ये डिफाइन और कन्फाइन करता है कंपनी की पावर्स को, ये बताता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना उसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम बेस डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं कंपनी के, जैसे अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे ये चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखा रहता है, MOA डिस्कस विद द कन्फाइन एंड पावर द कंपनी, कन्फाइन एंड डिफाइन द पावर ऑफ द कंपनी, एंड दिस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइनिंग द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सर ये जो MOA और AOA है ये कौन बनाता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उससे पहले यू हैव टू फ्रेम दिस MOA एंड AOA। तो ये जो MOA होता है ना, ये जो MOA होता है और ये जो AOA होता है, सर ये आपने हमें क्यों बताया, क्योंकि अभी इसका आगे लिंक आने वाला है, तो इसको रोक के चलना, ठीक है। मैंने बोला अगर प्राइवेट कंपनी बननी है तो मिनिमम दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सर एक बात बताओ, जब प्राइवेट कंपनी बननी है तो मिनिमम कितने बंदे चाहिए, 2। पब्लिक कंपनी बननी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7। अब ये लोग मिलकर एप्लीकेशन डालेंगे आरओसी को, और आपको पता है ये लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ता है टू एटलीस्ट 1 शेयर, मतलब हर इनको बोला जाता है, ये जो बंदे मिलकर कंपनी बना रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, मतलब ये लोग मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं दैट यस वी आर अग्रीइंग टू फॉर्म अ कंपनी, और ये लोगों को कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा, ये लोगों को कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा, और हर पर्सन को एटलीस्ट 1 शेयर लेना होता है, ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन 4 सेज दैट एवरी सब्सक्राइबर, सर हु इज सब्सक्राइबर, एवरी सब्सक्राइबर नीड्स टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर। वो सब्सक्राइबर कौन है, वो 2 या 7, ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी के केस में 2, पब्लिक कंपनी के केस में 7। सर इन लोगों को क्या बोला जाता है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, हु आर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी, हम कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वी आर रेडी टू टेक 1-1, एटलीस्ट 1-1 शेयर, ज्यादा हम ले सकते हैं बट एटलीस्ट 1-1 शेयर तो लेना पड़ेगा, और ये बात लिखी सेक्शन नंबर 4 में। और जैसे ही ये लोग एटलीस्ट 1-1 शेयर ले लेंगे, कंपनी सब्सक्राइब हो जाएगी, उसके बाद सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी और फ्रेश कंपनी का क्या आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, उसके बाद यही लोग क्या बन जाएंगे, दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और सर ये चीज कहां लिखी है, मेंबर्स डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। कैन यू सी, एक डेफिनेशन से अपन शुरू हुए थे 2 क्लॉज 20, उसके साथ क्या क्या कनेक्ट हो गया। अब सुनो मेरी बात आराम से, सर सेक्शन 2 क्लॉज 55 सेज दैट ये जो ROM में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम आ जाएगा, हुज नेम्स आर एंटर्ड इन ROM, ROM बोले तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। सर
आरओएम में जिसका नाम आ जाएगा हम उसे बोलेंगे मेंबर। सेक्शन 2 क्लॉज 20 से मैं शुरू हुआ, 2 क्लॉज 20 में मैं स्टेप वाइज सारा बता रहा हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी का मतलब क्या आया, कंपनी मींस अ कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो या तो इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होगा या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर आप पहले वाले कंपनी लॉ में बने तो भी कंपनी माने जाओगे, इस एक्ट के अंदर अगर कंपनी बनते हो तो भी आप कंपनी माने जाओगे। यस सर, ओके। अगर मैं इस एक्ट के अंदर कंपनी बनता हूं तो भी मैं कंपनी माना जाऊंगा, बट मैं इस एक्ट के अंदर कंपनी बनूंगा कैसे वो तो बताओ, तो उसके लिए इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 7। और इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए वो लोग मिलकर एप्लीकेशन डालेंगे किसको, आरओसी को। सर कितने लोग एप्लीकेशन डालेंगे, तो एप्लीकेशन जाएगी आरओसी को और सारा प्रोसेस होगा, ये बात कहां लिखी, सेक्शन नंबर 7 में। पर कितने लोग मिलकर एप्लीकेशन डालेंगे वो बात कहां लिखी, सेक्शन नंबर 3 में। और 3 ने बोला कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 200 लोग चाहिए, तो मिनिमम 200 लोग चाहिए, नहीं सर मिनिमम 2 लोग चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम मेरे को 7 लोग चाहिए, ठीक है। पर सर ये जो 2 लोग होंगे और ये जो 7 लोग होंगे, आपको एक चीज और बताऊं, सेक्शन 3 में जो लैंग्वेज लिखी है ना रियल लॉ बेयर लॉ में, वहां ये नहीं लिखा 2 or more members, हम लोग भी गलत बोल देते कई बार, 2 or more members for private company, 7 or more members for public company, वहां members नहीं है, वहां शब्द लिखा है persons, वहां शब्द क्या लिखा है persons, 2 or more person। अभी आप member नहीं बने हो, बहुत पता, ये माइन्यूट चीजें हैं जो नहीं पता होती बच्चों को, अभी आप मेंबर नहीं बने हो, अभी जब आप अप्लाई कर रहे हो यू आर पर्सन, मेरी बात समझो, अभी आप क्या हो, पर्सन हो, वो 2 या 7 पर्सन है, और 2 या 7 पर्सन के बाद जब आप अप्लाई करते हो देन यू विल सब्सक्राइब टू 1 share, एटलीस्ट 1 share, आपके एटलीस्ट 1 share तो लोगे ना कंपनी का, देन यू बिकम पर्सन से सब्सक्राइबर, एंड वेन द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड आपका नाम आरओएम में चढ़ जाएगा, आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद आप क्या बनते हो, मेंबर। तो हमको स्टार्टिंग में नहीं बोलना 2 or more members are required, नो गलत है, ठीक है। अब हो सकता है सामने वाला, आप कभी आप बोलो सामने वाले बोले हाँ ठीक है, क्योंकि उसको हो सकता है उसको भी ना पता हो, बट 2 or more members नहीं लिखा, वहां क्या लिखा, 2 or more persons और 7 or more persons, इज इट क्लियर। तो हम कभी बोलेंगे सर सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में लैंग्वेज क्या लिखे, 2 or more persons are required to form a private company, 7 or more persons are required to form a public company, they are the persons, then section 4 says that you have to take at least 1 share, एक शेयर लीजिए, at least subscribe कीजिए to the memorandum that you are agreeing to buy the shares of the company, और फिर आप क्या बनोगे, सब्सक्राइबर, देन उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, वो सारा प्रोसेस रहता है, और फिर आप क्या बनते हो, कंपनी के मेंबर बनते हो। सेक्शन 7 में क्या था, सेक्शन 7 में ये लिखा था कि आपको पूरा जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस होता है ना रजिस्ट्रेशन का, वो सेक्शन 7 में दिया हुआ है, मतलब वो लोग एप्लीकेशन किस सेक्शन के अंतर्गत डालेंगे, अंडर सेक्शन 7। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू फॉर्म अ कंपनी दे विल प्लेस एन एप्लीकेशन विद द आरओसी, दे विल सबमिट एन एप्लीकेशन टू द आरओसी अंडर सेक्शन 7, ठीक है। तो एक देखो, एक 2 clause 20 लिंक्ड विद सेक्शन नंबर 3, 4, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 2 clause 55। बात समझ में आई, कंपनी किसे बोलते हैं, अभी तो मैं आगे घुसा ही नहीं, ये समझ में आया कंपनी किसे बोलते हैं, यस सर ये समझ में आ गया, कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो या तो इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होगी या फिर कभी पहले से चली आ रही, तो उसे भी कंपनी बोला जाएगा। एक बार फटाफट से कृपया करके सब लोग चैट पे लिख दीजिए, यस सर, डन 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 डन, मस्त, हमको समझ में आ गया है, जल्दी से लिख दो। चले आगे, चलो 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 सर, चलो 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 आ गया। अब सर आप बोले सर क्या ये सारे सेक्शन हमें याद होने चाहिए, देखो मैं बोलूंगा कि जो बहुत ज्यादा प्रेविलेंट सेक्शन होंगे ना वो मैं इतनी बार बुलवा दूंगा, इतनी बार बुलवा दूंगा कि वो आपको वैसे याद हो जाएंगे। बट कोई अगर मान लो चलो छोटे मोटे सेक्शन है कि चलो हमको नहीं भी याद हो रहे, तो थोड़ा बहुत हम बियर कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल प्रेजेंटेशन तभी आती है पेपर में जब आपको सेक्शंस आप अच्छे सही से कोट करके आएंगे, ठीक है। सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ आंसर, और ओ भाई INC 8 का अटेस्टेशन, मेंबर, CA, ये सब अभी इतना सब यहां मत उतारो एकदम ही, ठीक है। चलिए
सर आप बोले कि अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो दो लोग चाहिए और पब्लिक कंपनी बनानी है तो सात लोग चाहिए, और अब हमको कंपनी का मतलब तो समझ में आ गया कि कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी मतलब दिस सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब 2 क्लॉज 20 में एक प्लेन सी लाइन लिखी थी कंपनी का मतलब जो इस एक्ट में बनी या पहले बनी, बट उसी पर देखो कितना टाइम लग गया कि वो क्या हुआ, वो एक्चुअल में असल में उसका इंटरप्रिटेशन क्या था। ठीक है, अब हम आते हैं सर, अगर हम बोलते हैं कंपनी, तो मैंने दो कंपनीज का नाम लिखा, एक मैंने बोला वन इज प्राइवेट कंपनी एंड द अदर वन इज पब्लिक कंपनी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी का सेक्शन रहेगा सेक्शन 2 क्लॉज 68। ये मैं चाहूंगा कि इसको याद भी कर लेना, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन रहेगा सेक्शन 2 क्लॉज 68 और पब्लिक कंपनी का सेक्शन रहेगा सर 2 क्लॉज 71। ठीक है, मैं तुम्हें साथ साथ याद करवाता चलूंगा सेक्शन, उसकी तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे इतनी बार बुलवाऊंगा तुमको घर पे बैठ के बस बोलना है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ हम घर पे बैठे तो बता, ऐसा नहीं करना। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 71। सेक्शन 2 क्लॉज 68 सेज दैट प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 70 सेज अबाउट पब्लिक कंपनी। सर सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्या बात करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 68। मुझे एक चीज बताओ, भयंकर एकदम खतरनाक एनालिसिस के लिए रेडी हो, पहले एक बार चैट पे लिख के बता दो, एकदम खतरनाक वाले एनालिसिस के लिए रेडी हो या नहीं हो, जल्दी लिखो, एकदम मस्त वाले एनालिसिस के लिए रेडी हो, रेडी हो, आओ फिर आओ, लिखो लिखो जरा सेक्शन 2 क्लॉज 68 और हेडिंग बनाओ प्राइवेट कंपनी, हेडिंग बनाइए प्राइवेट कंपनी। नालायक कह रहा है जो पब्लिक ना हो वो प्राइवेट है, और पब्लिक में क्या लिखा है, जो प्राइवेट ना हो वो पब्लिक है। बदतमीज, तेरा घर मेरे घर के सामने, मेरा घर तेरे घर के सामने, हमारा घर एक दूसरे के सामने, कभी डिफाइन ही नहीं होएगा। कितने नालायक है, बदतमीज एकदम। अरे प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वाह सो ब्यूटीफुल। पब्लिक मीन्स जो प्राइवेट ना हो, प्राइवेट मीन्स जो पब्लिक ना हो, ना ये पेपर हो ना हमारा दिमाग खराब हो, बस हम मस्त रहे एकदम। वाओ बेटा वाओ, बहुत ही अच्छे, बहुत आगे जाओगे। सुनो तरुण कह रहा है ये सच में डेफिनेशन है सर, हाँ मेरे को भी पता है, मैंने भी पढ़ी। सुनो, बट प्राइवेट में थोड़ी ये लिखा, वो तो पब्लिक में लिखा ना, पब्लिक इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, तो फिर ऐसे तो कुछ डिफाइन ही नहीं होगा, कलाकार कहेंगे। प्राइवेट कंपनी सर इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, लिखो प्राइवेट कंपनी, रुको रुको लिखो तो, प्राइवेट कंपनी ध्यान से यार, ये क्यों डिपर मार रहा है बार बार, भी पाशा पासू बना हुआ है। सुनो प्राइवेट कंपनी, देख प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी फॉर, यही रुक जाओ मैं तो आगे लिख ही नहीं रहा, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी। सर थ्योरी हिंदी में नहीं लिखवाएंगे, हिंदी में नहीं लिखवाएंगे मतलब, हिंदी में नहीं लिखवाएंगे मतलब प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी। सर यही पे रुक जाओ, बोला प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी को सबसे पहले तो क्या होना पड़ेगा, एक कंपनी, और कंपनी का डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, यानी ये बोला कि प्राइवेट कंपनी वो ही कंपनी बन सकती है जो पहले तो कंपनी है, और कंपनी मतलब ये बात कर रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 20 की, ध्यान रखना, यानी पहले तो आप वहां क्या बनोगे सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, कंपनी, उसके बाद तुम क्या बनोगे प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी, वो एक कंपनी है पहले तो,
और उसके बाद आगे लिखा लिखना विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम। वो तुम नोट्स लिख रहे हो ना साथ साथ, पक्का ना, सच्ची ना, लिखते रहना है ना। विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वाओ, कुछ याद आ रहा है सर हमको। सर प्राइवेट कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसकी एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, जिसकी एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, और उतनी मिनिमम पेड अप कैपिटल आपकी होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब की जाएगी। मुझे बताओ ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा, जल्दी लिखा करो तुम थोड़ा सा फास्ट। मुझे बताओ ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा, ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा? सर ये प्रिस्क्राइब करेगा एमसीए यानी कि सीजी, और कहां प्रिस्क्राइब करेगा? रूल्स में। यानी अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी बनेगी तो वो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम इतनी कैपिटल तो होनी ही चाहिए। वेरी गुड सर, ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा? एमसीए, और कहां प्रिस्क्राइब करेगा? रूल्स में। सर क्या एमसीए ने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है? आंसर इज नो, अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। यानी अगर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला? सर इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि अगर अभी कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है तो आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितने भी हो सकती है। यानी क्या मैं पूछूं, क्या एक प्राइवेट कंपनी 100 रुपए की पेड अप कैपिटल से बन सकती है? जल्दी बताओ, क्या एक प्राइवेट कंपनी 100 रुपए की पेड अप कैपिटल से बन सकती है? यस सर, एक प्राइवेट कंपनी 100 रुपए की पेड अप कैपिटल से भी बन सकती है, बिकॉज अभी तक कुछ भी रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। सो विच एज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और अभी तक कंपनी के लिए कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक, अभी तक सर यहां पर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। इट इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एमसीए इन द रूल्स एंड नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड येट। अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो हम बोलेंगे कि सर 100 रुपए से भी क्या बन सकती है? प्राइवेट कंपनी बन सकती है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ठीक है, ये लॉ में तो नहीं लिखा बट सेक्शंस को जोड़कर इनडायरेक्टली हम एक चीज निकालते हैं। मैं बताता हूं, ये मस्त एकदम चीज सिखाता हूं, सुनना। अभी मैंने सेक्शन 4 में क्या बोला था कि हर जो बंदा कंपनी बनाएगा उसको कम से कम एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा। हाँ सर, और एक शेयर की मिनिमम फेस वैल्यू 1 रुपए तो होती है। ठीक है, मेरी बात समझ के चलना। मैंने सेक्शन 4 में क्या लिखवाया कि हर पर्सन को कम से कम एक शेयर तो लेना पड़ेगा, और एक शेयर की फेस वैल्यू मतलब कम से कम 1 रुपए तो होती है। एक शेयर की वैल्यू मिनिमम 1 रुपए तो होती है, उससे कम तो नहीं होती। पब्लिक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए? 2। मान लो मैंने 2 ही लोगों से कंपनी बनाई और वो दोनों लोग एटलीस्ट 1-1 शेयर तो लेंगे, और 1-1 शेयर की फेस वैल्यू कम से कम 1-1 रुपए तो होगी। तो क्या मैं बोलूं, इनडायरेक्टली सेक्शंस को लिंक कर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए वैसे तो लॉ में नहीं लिखा कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए, पर मैं बोलूं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 2 रुपए तो चाहिए ना। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 2 रुपए तो चाहिए, क्योंकि अगर सर 2 मेंबर कम से कम 2 पर्सन आपको चाहिए जो लोग मिलकर क्या बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, और एक एक बंदा एटलीस्ट 1-1 शेयर तो लेगा, और अगर 1-1 शेयर एटलीस्ट लेना पड़ेगा तो मिनिमम कम से कम 2 रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी में चाहिए होगी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। बात समझ में आई? ऐसी मुझे एक चीज बता दो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए होगी? वो मैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, वहां पर भी ये लिखा होगा कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो लॉ में लिखा रहेगा उतनी चाहिए होगी, बट लॉ में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। पर मुझे बताओ पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए होगी? दिमाग लगा के बताओ पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए होगी? सर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग चाहिए, सेक्शन 4 बोलता है, 3 बोलता है कम से कम 2 लोग चाहिए, 4 बोलता है कि हर बंदे को कम से कम 1-1 शेयर तो लेना पड़ेगा, और अगर मैं दोनों को लिंक करूं
और एक शेयर की फेस वैल्यू कम से कम, मतलब वैल्यू 1 रुपए की तो कम से कम होती है। तो अगर दो लोग हैं और दोनों लोग कम से कम एक एक शेयर भी लेंगे तो एटलीस्ट 1-1 रुपया तो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यानी कि मिनिमम पेड शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी की 2 रुपए तो होगी, 2 से कम तो हो ही नहीं सकती। और वेरी गुड, परफेक्ट आंसर्स, परफेक्ट आंसर सर, पब्लिक कंपनी के लिए परफेक्ट आंसर राघव लक्ष्य, वेरी गुड सर, परफेक्ट आंसर, पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए होगी। ये लॉ में कहीं नहीं लिखा, बट दिस इज द इंटरलिंकिंग ऑफ द सेक्शंस। नहीं, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रूल सेबी नहीं बनाएगा, सेबी जो होता है ना बेटा वो लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करता है, ठीक है, नॉट ऑल द कंपनीज। उसका जो रेगुलेशन रहता है वो किस पर रहता है, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर रहता है। तो सेबी इज नॉट गोइंग टू मेक रूल्स फॉर कि पब्लिक के लिए पेड अप शेयर कैपिटल कितना या प्राइवेट के लिए पेड अप शेयर कैपिटल कितना, ना, ठीक है ना, गारंटीड अमाउंट में अलग कहानी है, अभी मैं गारंटी कंपनी पे आऊंगा तब बात करूंगा। सर प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है और यहां इसके आगे लिखा गया एंड। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए जितना हम प्रिस्क्राइब करेंगे, पर अभी कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। एंड आगे लिखना एंड, नाउ समथिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, एंड और यहां लिखो और का मतलब होता है या, और का मतलब क्या होता है या, एंड का मतलब क्या होता है और है? अरे एंड मतलब हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला एंड, यहां और नहीं लिखा एंड लिखा है, एंड लिखा है, इसका मतलब ये कंडीशन नंबर 1 थी अगर ऐसे समझ लो, तो अब जो नीचे लिख रहा हूं वो भी पूरी होनी चाहिए सर। यानी कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होगी जो लॉ बताएगा, पर अभी लॉ ने कुछ नहीं बताया, तो आप कितनी भी कैपिटल से प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। एंड बाय इट्स, लिखो बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एटलीस्ट 1 रुपए का एक शेयर तो होना चाहिए, बाय एटलीस्ट बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी रहेंगी, जिसके आर्टिकल्स में 3 बातें लिखी रहेंगी, उस कंपनी को हम क्या बोल देंगे, प्राइवेट कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी क्या कंपनी होती है, एक ऐसी कंपनी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रखेगी और जिसके आर्टिकल्स में 3 चीजें लिखी रहेंगी। सर वो 3 चीजें क्या है, मेरे साथ साथ लिखते चलना और अब इसको खतरनाक तरीके से एनालाइज करेंगे। लिखना शुरू करो, ए रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। बी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। सर आप समझाओ, 2 मिनट दो, लिखो और फिर मैं उसको समझाता हूं। वेरी गुड सर, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, और यहां कुछ लाइंस छोड़ देना और इसके बाद आ जाओ सीधा डायरेक्टली यहां पर सी पर, लगभग इतनी लाइंस, 8-10 लाइंस छोड़ देना और लिखो सी पॉइंट, लिखो सी पॉइंट, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन, वेरी गुड, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी। अच्छा मुझे एक चीज बताना, शेयर कितने टाइप का होता है, आपने सुना हो तो, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं सर, दो, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। अच्छा यहां लिखा है नोट हो गया, यहां पे लिखा है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, यहां शब्द यूज हुआ शेयर और यहां पर वर्ड यूज हुआ सिक्योरिटी। तो शेयर में और सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है, सर शेयर जो होता है वो शेयर है और यहां शेयर की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूं, और जब मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो सिक्योरिटी मतलब
कि हम वहां पर शेयर की बात भी कर रहे हैं, यानी वहां पर इक्विटी शेयर भी आ गया, वहां पर प्रेफरेंस शेयर भी आ गया और वहां पर डिबेंचर भी आ गया। ठीक है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट डिबेंचर्स? सर शेयर में और डिबेंचर में क्या अंतर होता है? हम जब कंपनी के शेयर इशू करते हैं तो जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो लोग कंपनी के क्या बन जाते हैं? ऑनर्स। वो लोग कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। पर जो लोग कंपनी से डिबेंचर्स खरीदते हैं और डिबेंचर के थ्रू कंपनी को पैसा देते हैं, तो कंपनी जब उनको डिबेंचर इशू करती है तो इट इज काइंड ऑफ लोन, कि कंपनी ने लोन दिया और कुछ टाइम बाद वो लोन रीपे हो जाएगा और फिर उसके बाद कहानी खत्म, टिल द टाइम उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सो जब शेयर की बात हो रही है तो समझ जाना यहां पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, और जब यहां पर सिक्योरिटी की बात हो रही है तो सिक्योरिटी का मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है? सर सिक्योरिटी का मतलब यहां पर शेयर और डिबेंचर दोनों की क्या हो रही है? बात हो रही है। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। तो पहली लाइन मैंने लिखी रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो ये रहे, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 एंड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। एक चीज बताओ, रेस्ट्रिक्शन में और प्रोहिबिशन में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन? सर रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में यह अंतर होता है, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि इट कैन बी डन पर उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो करना ही मना है, कर सकते हैं बट उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। ठीक है, बट तरुण अभी रुक जाता है, तरुण कह रहे हैं किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या? सर अभी तो मैंने ये डेफिनेशन खोली नहीं है, मैं बता रहा हूं एक घंटा लगेगा, सिर्फ डेढ़ घंटा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन समझने में, अभी रुक जाओ। सर प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट में अंतर क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट का मतलब वो चीज कर सकते हैं बट उस पर रोक लगी हुई है, ठीक है, और प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है कि वो चीज एब्सोल्यूटली करनी ही मना है, आप उसको कर ही नहीं सकते। तो अगर कहीं लिखा प्रोहिबिशन तो दैट इज ऑल टुगेदर एब्सोल्यूटली प्रोहिबिटेड, वो मना ही है, आप वो कर ही नहीं सकते। और अगर रेस्ट्रिक्ट लिखा है तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि आपने उस पर क्या लगाई हुई है? रोक लगाई हुई है। क्लियर हो गई बात? जी सर। तो मैंने तीन बातें यहां पर लिखी, अगर कोई भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उठा के आप देखते हो, व्हाट इज आर्टिकल? जिसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं, अगर उसके अंदर आपको ये तीन बातें दिखती हैं तो हम बोल देंगे सर दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। सो अगर मुझे किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये तीन बातें दिखती है, मेरे साथ साथ बोलो, अगर हमको किसी कंपनी के आर्टिकल्स में ये तीन बातें दिखती है सर, तो हम बोल देंगे कि वो कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। सर हर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमें तीन चीजें दिखेंगी, पहला एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन और एक प्रोहिबिशन। क्या बोला मैं? दोबारा बोलो मेरे साथ। एक रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या अंतर हुआ? सर रेस्ट्रिक्शन मतलब कि वो करना मना नहीं है पर अभी रोक लगाई हुई है, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, वो कर तो सकते हैं बट उस पर कुछ कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस यू कैन डू, ठीक है। बट प्रोहिबिशन का मतलब है कि आप कंडीशन छोड़ो, आप ये चीज करनी कर ही नहीं सकते, आपको करना ही क्या है? मना है। सो रेस्ट्रिक्ट मींस दैट इट इज रेस्ट्रिक्टेड, बट प्रोहिबिटेड मींस इट इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, यू कांट डू दैट इवन विदाउट और विद कंडीशन, डजंट मैटर एट ऑल। रेस्ट्रिक्शन मींस कि उस पर रोक लगी हुई है बट यू कैन डू सब्जेक्ट टू फॉलोइंग सम कंडीशंस। क्लियर? तो सर हर आर्टिकल्स में तीन बातें लिखी होती हैं, एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन और एक प्रोहिबिशन। दोबारा बोलना, एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन और एक प्रोहिबिशन। एक बार दोबारा बोलना, एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन और एक प्रोहिबिशन। जिस कंपनी के आर्टिकल्स में मुझे तीनों बातें मिलेंगी मैं बोल दूंगा कि वो कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। क्लियर? वो कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। जी सर, जी सर। अब एक बात सुनना सर, ये जो बात हो रही है कि एक रेस्ट्रिक्शन डालनी है, एक लिमिटेशन डालनी है, एक प्रोहिबिशन डालनी है। रेस्ट्रिक्शन किस चीज की? कि कंपनी जो है वो अपना राइट टू ट्रांसफर द शेयर उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं यहां पर, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200 एंड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन। अब इसको एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ साथ समझना वरना हल्का सा भी ध्यान हटाना अगर सारा मामला उड़ जाएगा। ध्यान से सुनना, आराम से, बिल्कुल तसल्ली बख्श, ठीक है। एक बार बताऊं, मैंने बोला शेयर होते हैं,
तो शेयर दो टाइप के, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। और जब मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा तो सिक्योरिटी में सिर्फ शेयर नहीं आता, सिक्योरिटी में फिर डिबेंचर भी आ जाएगा। पहले तो यहीं पे लिख दो मुझे डन सर, मेरे को इसी पॉइंट पे लिख दो डन सर, जल्दी से लिख दो सर। अगर मैंने लिखा शेयर तो शेयर मतलब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर की, पर अगर मैंने लिखा सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी में मतलब मैं शेयर की तो बात कर ही रहा हूं, साथ ही साथ में डिबेंचर की भी बात कर रहा हूं, जल्दी से लिख दो यस सर, बोल दो हां जी, जल्दी से लिख दो, जल्दी 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 जल्दी। डन टना टन डन, चले आगे, चलो आगे सर। कोई भी कंपनी सर शेयर कैसे इशू करती है, हाउ द कंपनी कैन इशू शेयर, इस कंडीशंस को अब एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना भयंकर तरीके से, ठीक है। हाउ द कंपनी इशूज द शेयर, सर कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, हाउ कंपनी इशू शेयर, कंपनी शेयर कैसे इशू करती है। सर कंपनी के पास ना शेयर इशू करने के दो तरीके होते हैं, तरीका नंबर एक प्राइवेट प्लेसमेंट एंड मेथड नंबर टू पब्लिक इशू। तरीका नंबर एक प्राइवेट प्लेसमेंट एंड तरीका नंबर दो यानी मेथड नंबर टू दैट इज पब्लिक इशू। सर व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, ध्यान से लिखना, सेक्शन नंबर 42, पब्लिक इशू सेक्शन नंबर 29, लिखते जाओ मस्त एकदम। सर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में, क्या बोला मैं, अगर कोई भी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200 लोगों तक, अप टू 200 पर्संस तक अगर सिक्योरिटी ऑफर करती है तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी आप एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो, 200, ठीक है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कितने लोगों को सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो, 200 को, कम से कम बोला सर, अगर आप मैक्सिमम कितने लोगों को सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो, 200, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। पर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी ऑफर कर देते हो तो फिर वो क्या बन जाएगा, इट इज पब्लिक इशू। जब आप पब्लिक एट लार्ज को इशू लेकर आते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू। तो मैंने क्या बोला, सर अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों तक को सिक्योरिटी ऑफर करते हैं तो दैट विल कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। मैं बहुत आगे का एक सेक्शन बता रहा हूं बट यहां पर मेरे को उसको लिंक करना है तो मेरे को बताना पड़ रहा है। और सर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, इट विल बिकम पब्लिक इशू, ठीक है। सिर्फ इतना दिमाग में रखना, मुझे ज्यादा इस सेक्शन में नहीं जाना, प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या प्रोविजन है, क्या सब है, इतना चीज दिमाग में रखना। अगर 200 लोगों तक को शेयर इशू करते हैं, 200 लोगों तक को सिक्योरिटी ऑफर करते हो तो हम वो क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। सिक्योरिटी ऑफर की तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर, यस सर। और पब्लिक इशू जो है, पब्लिक इशू में आप अगर 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटी ऑफर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, हां सर। अब एक बात सुनना, सबसे पहले कंडीशन नंबर पढ़ो सी, जो तीन बातें हमने लिखी उसमें सबसे पहली बात पढ़ो सी, परफेक्ट लक्ष्य। लक्ष्य ने ऑलरेडी लिखा सर प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू कर ही नहीं सकती, ये बात कहां, ये तो हम पढ़ के आए बचपन में, ठीक है। अब जो लोग ने अकाउंट्स पढ़ी होती है उन लोग को ये टीचर पढ़ा देते हैं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं लाती है, बट ये बात लिखी कहां है, ये रही कंडीशन नंबर सी सेज दैट आर्टिकल्स में प्रोहिबिशन है, टोटली मना है, एब्सोल्यूटली मना है दैट यू कैन नॉट इनवाइट टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। अब यहां पर शब्द सिक्योरिटी लिखा है तो ये सिक्योरिटी में शेयर आएगा या डिबेंचर भी आएगा, जल्दी लिख दो सर, ये सिक्योरिटी में शेयर आएगा या डिबेंचर भी आएगा,
ये सिक्योरिटी में शेयर आएगा या डिबेंचर भी आएगा? सर ये सिक्योरिटी में शेयर भी आएगा और डिबेंचर्स भी आएंगे। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर एब्सोल्युटली प्रोहिबिशन है कि सर वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप आओ और आप आके हमारी सिक्योरिटी को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। नो, द पब्लिक इश्यू इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड टू द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या नहीं ला सकती? सर प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। सर प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, ना तो शेयर का ना डिबेंचर का। ना तो पब्लिक कंपनी शेयर इशू ना तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती शेयर्स का, ना प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती डिबेंचर्स का। मतलब प्राइवेट कंपनी 200 से ज्यादा लोगों को ना तो शेयर ऑफर कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में, पब्लिक इशू नहीं आ सकता, ना डिबेंचर्स का पब्लिक इशू आ सकता है, क्योंकि सर सी कंडीशन बोलती है दैट प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड। सर इन्विटेशन टू पब्लिक मतलब पब्लिक इशू, ये लिख लेना, इनविटेशन टू पब्लिक मतलब पब्लिक इशू, इनविटेशन टू पब्लिक मतलब पब्लिक इशू। इज इट क्लियर? इनविटेशन टू पब्लिक मतलब पब्लिक इशू। प्राइवेट कंपनी को मना है कि आप पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकते, ठीक है, बट क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती? सर ये बात हमको समझ में आ गई। पॉइंट नंबर सी बोलता है ना आप इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू ला सकते हो, ना प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू ला सकते हो, ना आप डिबेंचर का पब्लिक इशू ला सकते हो। यहां तक की कहानी समझ में आई मैंने क्या बोला? जल्दी बोलो, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर। बोलो यार, जल्दी बोलो, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर। और बी कंडीशन क्या बोलती है? बी कंडीशन बोलती है कि सर एक लिमिटेशन है, देयर इज अ लिमिट कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 पर्सन की आवश्यकता होती है, बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। और मैं ऊपर पढ़ा के आया था, मेंबर वो होता है जो शेयर खरीदता है। अब भाई कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रखना, ठीक है, ऐसे बिल्कुल मजे लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब ऐसे एकदम लीनियंट होके नहीं पढ़ना। सर बी कंडीशन बोलती है कम से कम 200 लोगों की आवश्यकता है, कम से कम 200 लोग तो होने चाहिए, सॉरी ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? 200। क्या सर क्या बोलते हो, कम से कम 200 लोग, कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता है, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 200 लोग हो सकते हैं। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। और प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। पब्लिक कंपनी सब कर सकती है, पब्लिक कंपनी की बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम किसमें है? प्राइवेट कंपनी में। अब यहां तक की कहानी क्लियर है? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको मुझे आंसर करने जल्दी जल्दी, बट तुम लोग बहुत देर ले रहे हो चैट पे लिखने में, जल्दी से लिखना थोड़ा, ठीक है। सर प्राइवेट कंपनी में अगर पब्लिक इशू नहीं होते हैं तो फिर वो पर्सन कौन से होते हैं? वो पर्सन हम ही लोग हैं। जैसे मान लो हम पब्लिक को इशू नहीं करेंगे, मान ले मैं हूं और एक तू है, ठीक है, और मैंने और तुमने मिलकर क्या बना ली? एक कंपनी बना ली, तो दैट कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। पर हमारी जो कंपनी बनेगी हम पब्लिक को नहीं बोल सकते कि आप आकर, पब्लिक इशू नहीं ला सकते हम, और हम पूरे पब्लिक इशू को नहीं, 200 से ज्यादा लोगों को हम शेयर्स एक साल में अलॉट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी ना शेयर ना डिबेंचर, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा एंड यू हैव टू आंसर। मुझे बताओ एग्जाम्पल नंबर वन कहा है चार्ट में पब्लिक इशू वाला? कंपनी शेयर इशू करती है 2 तरीके से, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू, बट प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक इशू के तरीके से शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। अब तुम मेरे को आंसर दो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इधर आओ, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है के प्राइवेट लिमिटेड। अपनी कंपनी बना ली, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? के प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 300 पर्संस को शेयर इशू करे, मुझे बताओ क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? एक फाइनेंशियल ईयर में इस प्राइवेट कंपनी ने 300 लोगों को शेयर्स ऑफर करे, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? जल्दी बोलो,
पब्लिक इशू, ओहो पब्लिक इशू का मतलब होता है देखो 200 लोगों तक अलाउड है, वो है प्राइवेट प्लेसमेंट, आप प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो, हमने सेलेक्ट कर लिया इनको हम देंगे शेयर्स, बट 200 से ज्यादा अगर तुमने कर दिया ना एक फाइनेंशियल ईयर में वो हो जाएगा पब्लिक इशू, वो अलाउड नहीं है। तो आप 200 तक कर सकते हो, 200 से ऊपर नहीं कर सकते। परफेक्ट आंसर आ रहे हैं सबके, आंसर इज नो, सर ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने 200 से ऊपर करा तो पब्लिक इशू हो जाएगा, और पब्लिक इशू पे प्रोहिबिशन है, सी वाली कंडीशन बोलती है आप ये नहीं कर सकते। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट कंपनी 300 से ज्यादा लोगों को शेयर ऑफर कर सकती है? नो नो, ठीक है। बी, क्या एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को, 200 पर्संस को क्या शेयर्स ऑफर कर सकते हैं? अब बताओ यस या नो, क्या एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को शेयर ऑफर कर सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को शेयर्स ऑफर कर सकते हैं? ये ए वाली जो कंडीशन है ना बेटा, ये बोल रहा है जो सर ए वाला केस बनाया ना आपने, ये बी वाली कंडीशन सेकंड कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, सेकंड नहीं ये थर्ड को भी ब्रेक कर रहा है। थर्ड को कैसे ब्रेक कर रहा है भाई? तुम पब्लिक इशू ला ही नहीं सकते, जैसे ही तुमने 200 से ऊपर लोगों को सिक्योरिटी ऑफर करी वो क्या बन जाएगा? पब्लिक इशू। और थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी क्या नहीं ला सकती? पब्लिक इशू नहीं ला सकती, आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते। समझ में आ गई बात? बी केस बताओ, क्या बी केस है यस या नो है? परफेक्टली यस है, बिल्कुल कर सकते हैं सर, परफेक्ट आंसर, एकदम बढ़िया, फुल बढ़िया जा रहे हो, एकदम बढ़िया जा रहे हो। मैंने बोला सर केस सी बताओ, ये छोटे मोटे क्वेश्चन मतलब हमारे आगे, थोड़ा कुछ लेवल का क्वेश्चन लाओ हमारे, एकदम क्लास का क्वेश्चन लाओ, आओ जरा आओ। एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 300 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर करे, क्या कंपनी ये कर सकती है? क्या कंपनी ये कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में 300 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर करे, क्या कंपनी ये कर सकती है? जल्दी बोलो, क्या कंपनी ये कर सकती है? क्या कंपनी एक साल में 300 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर कर सकती है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। वाई? बिकॉज जैसे ही 200 से ऊपर जाएगा वो क्या बन जाएगा? पब्लिक इशू। और कंपनी को, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती किसी भी सिक्योरिटी का। सी में क्या लिखा है? सिक्योरिटी। ना तो आप शेयर का पब्लिक इशू ला सकते हो, ना आप डिबेंचर का पब्लिक इशू ला सकते हो, क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि सर कंडीशन नंबर 3 में शब्द शेयर नहीं है, सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी में शेयर भी आता है और डिबेंचर भी आता है, तो डिबेंचर का भी आप पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकते। आप 200 लोगों से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में डिबेंचर्स भी नहीं ऑफर कर सकते और शेयर भी ऑफर नहीं कर सकते। एकदम ब्यूटीफुल जा रहे हो। आ जाओ केस नंबर डी पे। किस किस को कॉन्फिडेंस आ गया? सर हमको समझ में आ गया, चलो ना आगे आओ केस नंबर डी। एक फाइनेंशियल ईयर में, जल्दी से बताओ, एक फाइनेंशियल ईयर में क्या 200 लोगों को कंपनी शेयर ऑफर कर सकती है? सर आप पागल हो गए हो क्या? आपने अभी तो ऊपर ये सवाल पूछा था, मुझे भी पता है आंसर इज यस, तुमने बोला यस, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 2024-25। एक फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में क्या कंपनी 200 लोगों को शेयर इशू कर सकती है? हाँ यस सर, शेयर ऑफर कर सकती है, हाँ यस सर। तो एक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी ने 200 पर्सन को क्या कर दिए? शेयर ऑफर कर दिए, इट वॉज एब्सोल्युटली अलाउड, ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अब कंपनी 100 पर्सन को और शेयर्स ऑफर कर रही है, क्या ये अलाउड है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी और 100 पर्सन को शेयर ऑफर कर रही है, क्या ये अलाउड है? जल्दी से बताओ। अब मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। क्या कंपनी ये शेयर्स ऑफर कर सकती है, यस और नो? नाउ आई वांट टू सी तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है। यस या नो? ओके, लक्ष्य से नो। और तुमको रीजन भी लिखना है ऐसा क्यों। नो no. अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस सर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो सर। आंसर इज यस या नो? यस या नो? सर यस, कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं पता है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों तक बोला था ना सर ने, तो
इस फाइनेंशियल ईयर में 200 तक करा, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट था, इस फाइनेंशियल ईयर में भी 200 तक कर रहे हैं, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट है। पर लल्लूओं, तुम आगे का पढ़ते जाते हो, पीछे का भूलते जाते हो। थर्ड कंडीशन ये बोलती थी ना कि पब्लिक इशू नहीं ला सकते, प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हैं। पर नालायक हो, सेकंड कंडीशन भी तो थी, अगर मान लो इन 100 लोगों को शेयर इशू हो गए तो 200 मेंबर ये थे, 100 मेंबर और बन जाएंगे तो 300 मेंबर बन जाएंगे, बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम तो 300 मेंबर नहीं हो सकते ना, 200 ही हो सकते हैं, तो सेकंड कंडीशन वायलेट हो जाएगी। सर यहां पर लिखेंगे नो। ओ आप समझ में आया, जल्दी बताओ ये आंसर नो क्यों हुआ, ये समझ में आ गया? यस सर, क्योंकि अगर ये शेयर हमने अलॉट कर दिए तो सर 200 मेंबर तो पहले ही थे और 100 और हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 300। बट प्राइवेट कंपनी में सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई, जल्दी लिखो। ओ थर्ड कंडीशन ओके है, बट सेकंड कंडीशन को भूलना नहीं है, क्योंकि वो सारी कंडीशंस के बीच में एंड है, आपको तीनों चीजें रखनी है ध्यान में। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? बोलो। अब तुमको समझ में आ रहा है हाउ वी हैव टू एनालाइज द लॉ एक्चुअली? कह रहे 200 में से 100 छोड़ के चले गए, तो अभी सबर करो इधर। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने भी हो, मैं तो पर्सन की बात कर रहा हूं कि इन लोगों को, कितने लोगों को हम शेयर्स दे सकते हैं। आओ केस नंबर ई, इधर तो आओ। एक फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में क्या आप 200 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर कर सकते हो? क्या आप 200 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर कर सकते हो? आंसर यस सर, अभी आपने ऊपर ही पढ़ाया था ये रहना, 200 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर कर सकते हैं, यस सर। 300 लोगों को नहीं कर सकते, क्योंकि 300 को करा तो 200 से ऊपर चला जाएगा, पब्लिक इशू हो जाएगा, वो करना अलाउड नहीं है। कह रहे पहले आपने बताया नहीं, फिर आपने हमें जानबूझ के क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया, तो यही तो मेरा काम है। सुनो तुम भाई, तुमको यही तो दिमाग लगाना है, यू हैव टू एनालाइज दिस थिंग एंड यू हैव टू आंसर मी। तुम्हारे सामने मैंने कंडीशंस लिखी और उसके बाद मैं केस बना रहा हूं। सर एक फाइनेंशियल ईयर में 200 पर्सन्स को डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं? हाँ सर, 200 से ऊपर करा पब्लिक इशू हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है, कंडीशन नंबर सी। 200 से ऊपर करा पब्लिक इशू हो जाएगा, फिर वो कंडीशन नंबर सी में ब्रेक हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है, ठीक है? बोलो हाँ या ना। सर 200 पर्सन्स तक को डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, हाँ, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में और 100 पर्सन्स को डिबेंचर ऑफर कर दिए, क्या अब ये अलाउड है? पहले कंपनी ने 200 लोगों को शेयर्स, 200 लोगों को डिबेंचर ऑफर करे, अलाउड था, पब्लिक इशू नहीं था, इट वाज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, वो अलाउड था। और अब कंपनी और 100 लोगों को डिबेंचर ऑफर कर रही है, क्या अब ये अलाउड है? क्या अब और 100 लोगों को हम डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं, क्या ये अलाउड है? हाँ जी, यस या नो, जल्दी बताओ। यस या नो। आंसर इज यस या नो। मन बोल रहा है नो, पर दिमाग कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। आंसर इज, अच्छा मोस्टली आंसर आ रहे नो भाई साहब, आंसर इज यस। अबे लल्लू, डिबेंचर्स जो खरीदता है वो मेंबर थोड़ी बनता है, 200 की लिमिट मेंबर पर है, डिबेंचर होल्डर पर नहीं है। माँ माता जी, अरे ये 200 की लिमिट जो है ये मेंबर पर है, डिबेंचर होल्डर पर नहीं है। और यहां देखो तो एक साल में मैंने 200 लोगों तक को डिबेंचर ऑफर करे, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट है, और फिर 100 लोगों को अगले साल करे, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट है। यानी डिबेंचर होल्डर 200 से ज्यादा हो सकते हैं, बट मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। डिबेंचर होल्डर्स 200 से ज्यादा हो सकते हैं, बट मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। सर इसका मतलब थोड़ा जो हमको समझ में आया ना सारा मिला के, वो ये समझ में आया कि आप ये बोलना चाहते हो कि जो प्राइवेट कंपनी है
वो पब्लिक इशू नहीं ला सकती, यानी वो एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को कोई भी सिक्योरिटी ऑफर नहीं कर सकती। अब मैं पूरी कथा का सार बता रहा हूं, सुनना। प्राइवेट कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा कोई भी सिक्योरिटी ऑफर नहीं कर सकती, ना तो शेयर ना डिबेंचर। बट अलग अलग साल में मैं 200-200 करके तो इशू कर सकता हूं, हाँ कर सकते हो, पर डिबेंचर कर पाओगे, शेयर नहीं कर पाओगे। आप 200-200-200-200 करके भी डिबेंचर इशू कर पाओगे, शेयर इशू नहीं कर पाओगे। सर इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि मैं हर साल, जैसे मैंने इस साल 150 डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू कर दिए, फिर अगले साल फिर 150 लोगों को डिबेंचर इशू कर दिया, अगले साल फिर 150 लोगों को डिबेंचर इशू कर सकती है, कर दिए, क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूं? यस यू कैन डू, यस सर प्राइवेट कंपनी ये कर सकती है, यस सर प्राइवेट कंपनी ये कर सकती है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स 200 से ज्यादा हो सकते हैं, लिमिट डिबेंचर होल्डर्स पे नहीं है, लिमिट मेंबर्स पे है। बट सर क्या कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हर साल 200-200 करके शेयर इशू कर पाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप हर साल 200-200 लोगों को शेयर इशू करते रहोगे, तो जैसे आपने पहले साल 150 लोगों को शेयर इशू करे, अगले साल फिर आप और लोगों को शेयर इशू करोगे, तो वहां पर बी वाली कंडीशन आ जाएगी और बोलेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 200। अब मेरी बात समझ में आई? सर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू ला सकती है, पब्लिक इशू तो ला ही नहीं सकती, बट हर साल प्राइवेट प्लेसमेंट ला लाकर ला लाकर ला लाकर हर साल प्राइवेट प्लेसमेंट ला लाकर ला लाकर ला लाकर डिबेंचर दे सकती है, बट हर साल शेयर नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 200। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैं एक और एग्जाम्पल बनाता हूं और क्लैरिटी आएगी। इधर देखो एग्जाम्पल नंबर टू। मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है के प्राइवेट लिमिटेड। जो ये के प्राइवेट लिमिटेड है इसने 2024-25 में 200 को डिवेंचर ऑफर करे, क्या ये कर सकती है? जल्दी बताओ, क्या ये डिबेंचर्स ऑफर करे, क्या ये कर सकती है? आंसर इज यस सर 200 लोगों को आप डिबेंचर ऑफर कर सकते हो। वही लिखा है बेटा, देख मन की आंखों से देख, वही लिखा है 2025-26। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आया 2025-26। क्या 2025-26 में हम और 200 लोगों को डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं? अब तुम मुझे बताओ, क्या हम और 200 लोगों को डिबेंचर ऑफर कर सकते हैं? आंसर इज यस सर, बिकॉज दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट, दिस इज अगेन प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, बट क्या मैं 300 को डिबेंचर कर पाऊंगा? 200 से ऊपर को कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 200 से ऊपर जाते हुए पब्लिक इशू हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर आया 2026-27, और 500 लोगों को डिबेंचर ऑफर कर दिए, क्या ये कर सकते हो? नो सर, ये क्या बन जाएगा फिर? पब्लिक इशू, ये आपको करना अलाउड नहीं है। बट एक चीज सोचो, मैं यहां पे लिखता 200 की जगह, एक मिनट, हां मैं यहां पे लिखता सर 200 की जगह मैं यहां पे लिखता 180, क्या ये डिबेंचर और इशू कर सकते हैं? यस सर, अभी भी ये क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। सर फिर 2027-28 में मैं और 170 लोगों को डिबेंचर इशू करना चाहता हूं, क्या ये कर सकते हैं? आंसर इज अगेन यस सर, ये भी क्या होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको? जल्दी बताएं, बेटा लैपटॉप वाली आवाज एक बारी चेक करो उधर से, जो जो आपकी साउंड होगी वो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। क्रेडिटर्स कितने भी हो चलेगा, क्रेडिटर्स पे ऐसे कोई लिमिट नहीं होती कि 200 होंगे या 200 से ज्यादा होंगे या 200 से कम। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज पूछता हूं, एग्जाम्पल नंबर थ्री, एक कंपनी है के प्राइवेट लिमिटेड,
इसने 2024-25 में 280 पर्संस को 200 पर्संस को शेयर्स ऑफर करे, क्या कंपनी ये कर सकती है? यस सर। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में कंपनी ने 80 पर्संस को फिर से शेयर ऑफर करे, क्या कंपनी ये कर सकती है? आंसर इज नो सर, क्योंकि अगर ऐसा करा तो नंबर ऑफ मेंबर्स विल सरपास 200। जल्दी से चैट पे लिख दो समझ में आ गई बात। डन 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 डन। देखो ये जो है ना, ये प्राइवेट प्लेसमेंट तो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पब्लिक इशू हो गया। ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि एक साल में 200 लोगों तक कोई ऑफर जा रहा है। ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट है क्योंकि एक साल में 200 लोगों तक कोई ऑफर जा रहा है। बट सर ये मिलाकर जो है ना, ये बी वाली कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ, ये जितने भी नोट्स रहेंगे ना जो मैं लिखता हूं, ये सारे आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे। ठीक है, जब आपको ड्राइव का ये एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा ना, तो ये सारे नोट्स आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे। तो अगर कभी किसी का कुछ रह भी जाए लिखने का, तो टेंशन ना लेना, आप उसको नोट कर लेना फिर बाद में आराम से। ठीक है सर, ये प्राइवेट प्लेसमेंट तो है पर ये मिलाकर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बी वाली कंडीशन जो सेकंड कंडीशन थी उसको वायलेट कर देगा। और पता है ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। बच्चा क्या करता है? बच्चा सिर्फ एक कंडीशन पे फोकस करता है। हम सिर्फ एक कंडीशन को देखते हैं सर, कि ओ 200 लोगों तक कोई ऑफर दे रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। हाँ, क्योंकि प्रोहिबिशन तो पब्लिक इशू पे है ना, तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर सकते हैं, 200 लोगों तक को दे सकते हैं। हाँ दो। फिर अगले साल फिर 200 को दिए, हाँ दो। अगले साल फिर 200 को दिए, हाँ दो। अबे भाई ये तो देखो, अगर हर साल 200 को शेयर देते जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? 600। वो अलाउड थोड़ी है। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? मैक्सिमम मेंबर कैन बी 200। तो ये दिमाग में रख के चलना है, समझ में आई बात? ये दिमाग में रख के चलना है। चलो आगे बोलो, चलो पक्का चले चले चले, जल्दी बताओ। डंडना डंडन, आ जाओ आ जाओ मेरे नालायकों, आ जाओ। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो सर, क्या हमें बी और सी कंडीशन पूरी समझ में आ गई है? हाँ सर, पर अभी और बातें करेंगे। सर आप बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 200 मेंबर ही हो सकते हैं, तो जिस टाइम कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो मान लीजिए कि 2% मिलकर रजिस्टर करवाए होंगे, तो फिर 198% को ही ऑफर करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि दो तो वो खुद होंगे मेंबर, पर उसके बाद आप उसके बाद 198 को जा पाओगे। बट अभी और भी कुछ बातें होनी बाकी हैं, आ जाओ। चलो ओए तुम लोग ना नालायक को कमेंट करके जाया करो और लाइक जरूर किया करो वीडियो को, ठीक है? क्योंकि जितना लाइक करोगे उतना इसकी रीच पहुंचेगी और लोगों तक। यू हैव टू शेयर इट विद एवरीवन। चलो आओ, मस्त आगे चलते हैं। चले हाँ सर, चले। कितना अच्छा अच्छा सा लग रहा है, कितना इजी इजी सा लग रहा है। अच्छा, किसको मुश्किल लग रहा है, किसको आसान लग रहा है? मेरे को बताओ, किस किसको आसान लग रहा है एकदम कि ईजी है? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? ईजी लगाओ, मस्त एकदम बढ़िया। लिखो आगे, लिखो सर कंडीशन नंबर ए जो थी, कंडीशन नंबर ए जो थी, ए एक्सप्लेनेशन टू कंडीशन नंबर ए, एक्सप्लेन करते हैं ये, ऐसे लिखो एनालिसिस ऑन कंडीशन ए। कह रहे इजी है, इजी है, इजी है ना? एनालिसिस ऑन कंडीशन ए, आ जाओ सर कंडीशन ए पे क्या एनालिसिस करना है, आ जाओ। कंडीशन ये क्या बोलती थी? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर। प्राइवेट कंपनी जो है उसके उसके अरे नया भी कुछ टफ नहीं लगने वाला यार, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं ना, कुछ तुमको टफ नहीं लगेगा, सुनते रहो बस। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, और तुम मेरे को 70 पार नंबर ला के दिखाओगे। बस मेरे को यह प्रॉमिस कर दो सर, हम एटलीस्ट 70 मार्क्स स्कोर करेंगे लॉ के पेपर में। Restrict the right to transfer the share. Sir, private company जो है
वो अपना शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकती, या ये कंडीशन क्या बोलना चाहती है ये समझाइए हमें। आओ यहां लिखो एनालिसिस ऑन कंडीशन ए। एक बात सुनना बेटा, देख जिस जो बोल रहा है मेरे को लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, वो आप जितना लिख कर देखोगे ना उतना बेटर हो जाएगा। एक बात सुनना, मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है के प्राइवेट लिमिटेड, और इसके लेट से तीन मेंबर्स हैं, एक मेंबर है एके, एक मेंबर है केके और एक मेंबर है एसके। ऐसे समझ लो तीन मेंबर्स हैं, और तीन मेंबर कौन कौन से हैं, एके केके और एसके। सर एके केके और एसके, सर ये जो एके केके और एसके हैं ये तीन इस कंपनी के मेंबर्स हैं, और इन तीनों के पास लेट से एके के पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, केके के पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और एसके के पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, या चलो अलग अलग लिखते हैं, इधर आओ, इसके पास 500 शेयर्स हैं और इसके पास 300 शेयर्स हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अब मान लो कि एसके चाहता है मैं इस कंपनी के शेयर बेचना चाहता हूं, एसके वॉन्ट्स टू सेल द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। एसके बोलता है कि भैया मैं इस कंपनी के क्या करना चाहता हूं, शेयर बेचना चाहता हूं, तो मेरी बात सुनना। एसके जो है अपने अपने नाम लिख रहे हैं, एके की फुल फॉर्म नालायक, सुनो इधर। एसके जो है वो ये बोलता है कि सर मैं ये 300 शेयर बेचना चाहता हूं, तो ये बंदा डायरेक्टली जाकर किसी बाहर वाले पर्सन को सीधा शेयर नहीं बेच सकता। दिस इज कंडीशन नंबर ए। द प्राइवेट कंपनी इज अंडर रेस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। यस एग्जैक्टली, एके बोले तो एके है भाई साहब। सुनो सर, जो एसके है वो क्या बोलता है कि भैया अगर 300 शेयर बेचने हैं, वो चाहता है मैं शेयर बेच दूं, पर आप डायरेक्टली जाकर किसी आउटसाइडर को शेयर नहीं बेच सकते। क्या होता है, पहले इसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा कि मैं अपने 300 शेयर बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो। डायरेक्टली जो प्राइवेट कंपनी का मेंबर है वो बाहर आउटसाइडर को जाकर शेयर नहीं बेच सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव ऑफर टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। आप पहले जाओ इन दोनों के पास और इनको ऑफर दो कि क्या आप ये शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो। अगर तो ये दोनों लोग आपके शेयर खरीद लेते हैं, मान लो कि यही लोग ने आपके 300 शेयर खरीद लिए या इस बंदे ने आपके 300 शेयर खरीद लिए, वेरी गुड। पर अगर सर मान लो कि इस कंपनी ने 300 शेयर, इस बंदे ने 300 शेयर नहीं लिए, इसने 200 शेयर लिए, इसने 100 शेयर लिए, एज द केस में भी जो भी रहा, अगर ये लोग आपके 300 शेयर्स ले लेते हैं तो मामला सेट हो गया। पर अगर सर ये लोग आपके 300 शेयर्स नहीं ले पाते हैं, देन यू कैन गो टू द आउटसाइडर टू सेल द शेयर्स। यानी याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, रेस्ट्रिक्शन का मतलब वो चीज करना मना नहीं है, बट देयर इज सम कंडीशन। आपको पहले वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप वो कर सकते हो। यानी जो ये एक वाली कंडीशन लिखी है, क्या ये कंडीशन ये बोल रही है कि प्राइवेट कंपनी का मेंबर शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकता? नो, ऐसा नहीं लिखा। ये नहीं लिखा कि प्राइवेट कंपनी का मेंबर शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। सर ये लिखा है, तो हमने बोला बताओ ना क्या लिखा है, तो इन्होंने बोला कि प्राइवेट कंपनी का मेंबर शेयर तो ट्रांसफर कर सकता है, पर उसके शेयर ट्रांसफर करने पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि डायरेक्टली तुम बाहर नहीं जाओगे, पहले तुम एग्जिस्टिंग वालों को पूछो, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उन्हें दे दो, और अगर वो नहीं खरीदना चाहते तो फिर तुम बाहर क्या कर सकते हो, शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। यानी मैं एक शब्द पूछता हूं, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल ही नहीं है या फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है? मेरे को चैट में ऐसे लिख दो, टी नहीं है या एफटी नहीं है। क्या इंटरप्रिटेशन निकली, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते या फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते? जल्दी बताओ, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं या फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं? बोलो प्यारे बच्चों, बोलो बोलो वत्स। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। सर जो ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है ना, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है,
इट इज नॉट लाइक दैट कि ट्रांसफरेबल ही नहीं है. अगर ट्रांसफरेबल ही नहीं होते फिर तो गलत हो जाता ना. एक बंदे ने जिसने कभी मेंबर बन गया वो तो कभी उस कंपनी से एग्जिट ही नहीं ले पाता. तो कंपनी ने एग्जिट दिलवाई, प्राइवेट कंपनी को बोला गया देखो तुम्हें पब्लिक को बीच में उतारने की जरूरत नहीं है, पहले तुम, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, इट इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, अपने आप में ही आपकी कंपनी सिमटी हुई है, पहले आप क्या कीजिए, पहले आप अपने ही लोगों को बोलिए, क्योंकि बाहर के व्यक्ति को लाने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी. तो पहले आप अपने बंदों को बोलो कि भैया मैं निकलना चाहता हूं, मैं एग्जिट लेना चाहता हूं, तुम शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, इफ दे आर इंटरेस्टेड वेल एंड गुड, उनको शेयर दो और तुम एग्जिट लेके निकल जाओ, कहानी खत्म, अपना माल अपने में ही रहेगा. बट अगर वो लोग मना करते हैं तो आप किसी बाहर वाले को दोबारा प्राइवेट कंपनी के अंदर लेकर आ सकते हो. ठीक है, तो यहां मुझे ये समझ में आया कि सर जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स है ना वो ट्रांसफरेबल नहीं होते, ये बोलना गलत है. ये लिखा है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, यानी कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. बात समझ में आ गई? तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन. अगर मान लो ट्रांसफरेबल ही नहीं होते ना तो फिर वो प्रोहिबिशन बन जाता, वहां लिखा रहता प्रोहिबिट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर, फिर तो प्रोहिबिशन हो जाता कि आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, वो गड़बड़ हो जाता मामला. तो इन्होंने वहां क्या लिखा, रेस्ट्रिक्शन. समझ में आ गई बात? बोलो कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें फंसेगा कौन? शेयर होल्डर, वो मेंबर फंसेगा. तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन डाली गई, प्रोहिबिशन नहीं डाला गया. अगर प्रोहिबिशन डालते तो फंस जाते. ठीक, तो यहां लिखो, लिखो यहां पर लिखो, इन दिस रेस्ट्रिक्शन इट इज रेस्ट्रिक्टेड for an existing shareholder that whenever, jaldi likho pura, that whenever he desires to transfer the share desires to, वो लिख लेना लायक, desires to transfer the share, then firstly he needs to go to existing shareholders. If they deny, then he can transfer the share. Then he can transfer the share to an outsider. Then he can transfer the shares to an outsider. चलो आगे. उसके बाद आप क्या कर सकते हो? Outsider को share transfer कर सकते हो. Sir, एक चीज बताओ. कि उसके बाद हम outsider को share transfer कर सकते हैं. किसके पास जाना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग के पास जाना पड़ेगा. उसके बाद ही हम आउटसाइडर को क्या कर सकते हैं? शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं. आप मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब ये हो गया जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक राइट होता है कि अगर कोई भी बंदा एग्जिट होगा तो पहले हमसे पूछेगा, अगर हम मना करेंगे तो फिर वो कहां जाएगा? बाहर जाएगा, है ना. यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास एक राइट होता है कि भैया अगर तुम में से किसी को भी, हम में से किसी को भी एग्जिट लेनी है तो पहले बाकियों से पूछेगा, अगर हम लोग मना करेंगे तो वो कहां जाएगा? बाहर जाएगा. इसी राइट को नाम दिया जाता है प्री एम्प्टिव राइट ऑफ द शेयर होल्डर. यानी कि प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास, प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स के पास एक राइट रहता है, जिस राइट को हम क्या बोलते हैं? प्री एम्प्टिव राइट ऑफ द शेयर होल्डर. सर इसी को बोला जाता है प्री एम्प्टिव राइट ऑफ द शेयर होल्डर, या इसी राइट को बोला जाता है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल. क्या बोलते हैं? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल. फर्स्ट रिफ्यूज करने का राइट मेरे पास है, अगर हम रिफ्यूज करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो? बाहर जाकर शेयर दे सकते हो. एंड सर दिस राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, या सर इसी को बोलते हैं प्री एम्प्टिव राइट.
इसी को सर क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव राइट। सर बाहर जाकर क्या वो पब्लिक प्लेसमेंट कर सकता है? हैं, क्या बोला तूने, पब्लिक प्लेसमेंट कर सकता है? ये क्या होता है? इसमें भी आउटसाइडर होते हैं, इनसाइडर होते हैं, नेपोटिज्म, कुछ भी। This right of existing shareholders is called right of first refusal, और इसी right को सर हम नाम देते हैं preemptive right। क्या नाम देते हैं? Preemptive right। बोलो ना। हाँ हाँ सर, इसी को हम नाम देते हैं preemptive right। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पर एक ऐसे ऐसे एक एक ऐसे बनाओ और यहां पर लिखो author's note। हमने ये समझा शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल, नो, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। यस सर। वो एक शेयर कितनों को ऑफर कर सकता है? एक ही को ऑफर कर पाएगा ना, एक ही पर्सन को ऑफर कर पाएगा अपने शेयर्स, ठीक है सर। मान लो उसके पास 2,000 शेयर्स हैं, उसने सारे एक एक शेयर अलग अलग लोगों को ऑफर कर दिए, बेच दिए, क्या ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं पाएगा, मेंबर ही नहीं बन पाएंगे 200 से ऊपर लोग मेंबर ही नहीं बन पाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो सर ये जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं होते, बोलना गलत हो जाएगा, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? यस सर। मैंने अभी आपको दो कंडीशन, तीन कंडीशन एक तरीके से समझा दिया, बट वो बीच में मैंने गैप छुड़वाया, वहां अभी जो लिखना है वो मैंने नहीं समझाया। अभी तक मैंने प्राइवेट कंपनी में जितना पढ़ाया वो समझ में आ गया। हाँ सर, प्राइवेट कंपनी जो है उसका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी की जो सिक्योरिटीज है, प्राइवेट कंपनी कभी उसका पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर भी होता है, डिबेंचर भी होता है, ना तो आप सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू ला सकते हो, ना आप डिबेंचर का पब्लिक इशू ला सकते हो, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आप 200 से ज्यादा लोगों को कोई भी सिक्योरिटी ऑफर नहीं कर सकते हो। सर एक फाइनेंशियल ईयर में ना तो मैं शेयर ऑफर कर सकता हूं 200 से ज्यादा लोगों को, ना मैं डिबेंचर ऑफर कर सकता हूं 200 से ज्यादा लोगों को। अगर मैंने ऑफर करा तो वो पब्लिक इशू बन जाएगा, और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं होता। बट प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या कर सकती है? शेयर्स ऑफर कर सकती है, सिक्योरिटीज ऑफर कर सकती है, डिबेंचर भी ऑफर कर सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को शेयर ऑफर करती है, वो पब्लिक इशू है, वो मना है, बट 200 तक शेयर ऑफर करती है तो कर सकती है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगा। सर अगले साल फिर कंपनी चाहती है कि कंपनी 200 लोगों को और शेयर ऑफर कर दे, तो वैसे तो कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन बोलता है कर सकते हैं, बट सेकंड वाली कंडीशन अड़ जाएगी, और सेकंड वाली बोलेगी अगर आपने और 200 लोगों को शेयर ऑफर करे और उन्होंने शेयर लिए तो वो क्या बन जाएंगे? मेंबर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200, वो अलाउड नहीं होगा। बट सर क्या एक साल में 200 लोगों तक को डिबेंचर ऑफर कर दिए चलेगा? हाँ चलेगा, वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। सर अगले साल फिर 200 लोगों को डिबेंचर ऑफर कर दिए, क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? चलेगा, चलेगा। यानी आप प्राइवेट प्लेसमेंट से डिबेंचर हर साल कितने कितने इशू करते रहो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ श्वेता, तू कर सकते हैं, यस। चले आगे। अब जरा ऊपर हम कुछ स्पेस छोड़ के आए थे और वहां कुछ लिखते हैं और फिर उसे एनालाइज करते हैं। अब यहां से चीजें थोड़ी सी और संगीन होने वाली है, सुनना आराम से। चलिए, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। इसने बोला कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में? 200। प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, ये लिखा मैंने, पर ये 200 के लिमिट में कुछ लोगों को काउंट नहीं किया जाता। मतलब अब मैं लिखवाने जा रहा हूं एक्सेप्शन, किस किस पर्सन को 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते, यानी वो शेयर होल्डर होगा, उस पर शेयर्स हैं, वो मेंबर होगा, बट वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200।
तो अब मैं ऐसा कोई केस कराने वाला हूं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स तुम्हें 200 से ज्यादा दिखेंगे, पर कुछ लोगों को हम काउंट ही नहीं करेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे फॉर द लिमिट ऑफ 200। तो वो लिमिट 200 से ऊपर नजर आ रही होगी, पर तब भी वो लिमिट में ही माना जाएगा। यानी फ्यू पीपल आर नॉट टू बी कंसिडर्ड इन द लिमिट ऑफ 200। सर कुछ लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। लिखो एक बार लिखो तो। ओ भाई साहब बिल्कुल एकदम क्रक्स लिख दिया इसने। एक बार लिख फिर मैं एनालाइज करवाता हूं। आओ लिखो। बट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग, बट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग। सर किस किस को एक्सक्लूड किया जाएगा लिखना। पहला फर्स्ट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, persons who are in employment of company। सर जो अभी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब who are the employees of the company, अगर उनके पास shares भी हैं, वो members भी हैं उस private company के, तो फिर हम उन्हें 200 की limit में count नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई private company है और उसके employees के पास भी उस company के shares हैं, तो वो employees जो होंगे उनको एक तरीके से मेंबर नहीं माना जा रहा। मतलब मेंबर तो है वो, बट उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। सर हम उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। सर वाई सो? क्योंकि देखो कंपनी एम्प्लॉयज को शेयर्स तब देती है क्योंकि कंपनी को उन्हें मोटिवेट करना होता है। और अगर इनको भी लिमिट में काउंट किया होता, इनको भी लिमिट में काउंट किया होता, तो ऐसे तो कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी कभी उन्हें शेयर दे ही नहीं पाती। क्योंकि अगर जैसी कंपनी उन्हें शेयर देना शुरू करती तो वो इतने सारे एम्प्लॉयज होते और लिमिट 200 को क्रॉस कर जाती मेंबर्स को, और फिर प्रॉब्लम आ जाती कि आप 200 से ऊपर मेंबर लेकर जा रहे हो और 200 से ऊपर मेंबर नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में कभी भी यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बंदे एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के, यानी द पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, उनको हम क्या नहीं मानेंगे सर, उनको हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। नहीं राम ऐसा जरूरी नहीं होता, इट इज नॉट मैंडेटरी, तो हम उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? हम यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट एम्प्लॉयज की। अभी लिखते जाओ बेटा, एक बार लैंग्वेज लिख लो तुमको मजे आ जाएंगे एकदम। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट एम्प्लॉय की। अब आगे लिखो एक्सेप्शन नंबर टू, ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज एक्सेप्शन वन, दिस इज एक्सेप्शन टू। लिखो एक्सेप्शन नंबर टू, ये लैंग्वेज लिखो फिर समझाऊंगा इसको। लिखो पहले अच्छे से, पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली, हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, were members while in employment, while in employment and have ऐसा नहीं है कि 1000 मेंबर होंगे, तो क्या बोलते हैं अपना, ये लिख रहा है कि अगर सर मान लो एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं तो उस कंपनी के लिए मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। वो 1000 एम्प्लॉयज के पास अगर शेयर है तो वो 1000 लोगों को मेंबर नहीं माना जा रहा एक तरीके से, मतलब दे आर मेंबर्स बट 200 की लिमिट में नहीं ले रहे। लिखो, persons who having been formerly in employment of company were members while in employment and have continued to be member and have continued to be member after the employment ceased.
ये लिख लो, समझाऊंगा मैं, और इसके ब्रैकेट में लिखना सिंपली कॉल्ड पास्ट एम्प्लॉय। अब मेरे साथ साथ आता हूं सर, वो लोग जो आज कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है उन्हें तो हम क्या नहीं मानेंगे, 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, और ऐसे पर्संस हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट, जो पहले कभी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में थे जब वो मेंबर थे, यानी जब वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे तो वो मेंबर भी थे वाइल इन एम्प्लॉयमेंट। ये वर्ड्स बहुत जरूरी है जो हाईलाइट कर रहा हूं, वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल इन एम्प्लॉयमेंट। सर वो लोग पुराने कभी कंपनी के क्या रहे हैं, एम्प्लॉयज रहे हैं, और जब कंपनी के एम्प्लॉयज थे मतलब तब वो मेंबर थे जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, एंड हैव कॉन्टिन्यूड, एंड बोले तो और, हिंदी वाला और, एंड हैव कॉन्टिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज, और उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी वो अभी भी क्या चल रहे हैं, एम्प्लॉय चल रहे हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे लोगों को मेंबर में 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। सर दोबारा बताओ, ऐसे लोग जो जब कंपनी में काम करते थे, व्हेन दे वर इन द एम्प्लॉयमेंट दे वर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, और उसके बाद उन लोगों ने जॉब छोड़ दी, दे वर नाउ नॉट इन द, दे आर नॉट नाउ इन द एम्प्लॉयमेंट, बट स्टिल दे आर द मेंबर्स, दे आर कंटिन्यू टू बी मेंबर इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इज सीज्ड, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी अभी भी वो क्या है, मेंबर्स हैं। तो सर ऐसे लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। सिंपली मैं बोल रहा हूं, दो लोगों को मेंबर की लिमिट में काउंट, 200 की लिमिट में काउंट नहीं कर रहे, किसको, एक तो जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉय में है, ऐसे ध्यान रखो जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में है, जो अभी प्रेजेंट करंट एम्प्लॉय है, और वो मेंबर्स भी हैं, ठीक है, वो मेंबर्स भी हैं। कह रहे एम्प्लॉयज को शेयर देके पैसे लेते हैं बट मेंबर में काउंट नहीं करते, तो अच्छी चीज है ना नहीं करते तो, बट अभी कुछ पूछूंगा बताना मेरे को। सर यहां पर इन लोगों को मेंबर की 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। सर वाई, क्योंकि सर इनको मोटिवेट करना होता है, और अगर इनको 200 की लिमिट में काउंट कर लिया कभी प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर ही नहीं दे पाएगी, क्योंकि जैसी शेयर देगी तो वो क्या बन जाएंगे, मेंबर, और मेंबर बनती 200 की लिमिट क्रॉस हो जाएगी और प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए इनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते। बी कंडीशन मैंने क्या लिखी, सर बी कंडीशन मैंने लिखी कि अगर कोई पर्सन पहले कभी एम्प्लॉयमेंट में था और वो तब मेंबर था व्हेन ही वाज वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट, और वो आज भी क्या है, मेंबर है, वो आज भी क्या है, मेंबर है, इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इज सीज्ड, तो हम उसे 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। अब इन कंडीशंस को, ये एक्सेप्शंस को समझने के लिए कुछ एनालिसिस करते हैं। आ जाओ यहां लिखो, सर यहां पर हम बात करेंगे किस किस को 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा, किस किस को 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, पूछू अच्छी बात कैसे, अभी समझाऊंगा, वही तो समझा रहा हूं, इधर देखो कि कंपनी मोटिवेट भी कर पाएगी एम्प्लॉय को, मेंबर की लिमिट में भी काउंट नहीं होंगे, कंपनी मोटिवेट भी कर पाएगी एम्प्लॉय को और मेंबर की लिमिट में भी काउंट नहीं होंगे, ठीक है, सुनना जरा, एक सवाल मेरा क्वेश्चन है, एक कंपनी है जिसका नाम है नोरा प्राइवेट लिमिटेड, ओह सर लिख लो नालायकों, एग्जाम्पल में ध्यान रखना, ठीक है ना, एक कंपनी है उसका नाम क्या है, नोरा प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें 200 मेंबर्स हैं, कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, टोटल 200 मेंबर्स हैं, एक कंपनी में 200 मेंबर्स हैं, मुझे बताओ ये कंपनी में 200 मेंबर्स हैं, क्या ये विद इन 200 लिमिट है या नहीं है, जल्दी बोलो, इस कंपनी में 200 मेंबर्स हैं, ठीक है, क्या ये विद इन लिमिट है या नहीं है, यहां पे लिख रहा हूं वेदर विद इन द लिमिट ऑफ 200, क्या ये 200 की लिमिट में है या नहीं है, जल्दी बताओ क्या ये 200 की लिमिट में है या नहीं है, आंसर इज यस सर है, ये 200 की लिमिट में है। केस टू, एक कंपनी है जिसका नाम है नोरा प्राइवेट लिमिटेड,
तुम कुछ भी लिखो, नोरा ना लिखो, कुछ भी लिखो, जो तुम्हारा मन करे वो लिखो। सर यहां पर ना 300 मेंबर्स हैं। ओए सर ये कैसे हो गया, 300 मेंबर नहीं हो सकते सर। रुको तो, ये 300 मेंबर्स में से ना 200 मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ मेंबर्स हैं, और जो ये 100 मेंबर्स हैं ये मेंबर्स प्लस एम्प्लॉय भी हैं, ये मेंबर्स प्लस एम्प्लॉय भी हैं। अब मुझे बताओ क्या ये विद इन द लिमिट है या नहीं है, प्लीज टेल मी फास्ट, क्या ये लिमिट विद इन द लिमिट है या नहीं है। जल्दी बताओ क्या ये विद इन द लिमिट है या नहीं है। है सर, बिल्कुल है, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉय को तो हम काउंट ही नहीं करते, है ना। यस सर, प्रेजेंट एम्प्लॉय को तो हम काउंट नहीं करते हैं, तो ये लिमिट विद इन द लिमिट है। इतनी बात तो समझ में आ गई। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनना एक आराम से, एक बार बताओ, मैं ऐसी थोड़ा सा नॉलेज एनहांस कर रहा हूं। आप बोल रहे हो ये 100 लोग जो हैं इनको हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा एक चीज पता है, जो लोग शेयर्स लगाते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, उनको कंपनी से शेयर्स के बदले क्या मिलता है, उन लोगों को कंपनी से शेयर्स के बदले क्या मिलता है। करेक्ट आंसर श्वेता, उन लोगों को कंपनी से शेयर्स के बदले क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। करेक्ट एकदम, क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अच्छा, जो लोग कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं क्या उनको वोटिंग राइट मिलते हैं। हाँ यस सर, तो शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड राइट होता है, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर ये 100 लोगों को आप बोल रहे हो 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, मेरा आपसे सवाल ये है, मैं चाहता हूं तुम मुझे ये बताओ कि मैं सवाल क्या पूछने वाला हूं। क्योंकि अगर तुमने ये पकड़ लिया ना कि मैं तुमसे क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूं, तो भाई समझ जाना दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ एनालिटिकल पावर। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांट। ये जो लेवल ऑफ कनेक्टिविटी है ना, बस यही मेरे को एक दिमाग चाहिए, यही मेरे को एनालिसिस चाहिए। सर दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि आप ये पूछोगे कि सर एक बार बताओ ये 100 लोगों को लिमिट में काउंट नहीं करते 200 को, बट क्या ये 100 लोगों को, क्या ये 100 लोगों को वोटिंग राइट मिलेगा, क्या ये 100 लोगों को डिविडेंड राइट मिलेगा, क्या हम इन 100 लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं कर रहे बट क्या इनको इनको वोटिंग राइट है, क्या इनको डिविडेंड राइट है। आंसर इज यस, बस ये लिमिट में काउंट नहीं हो रहे, पर ये मेंबर तो है ना। यस सर, इनका नाम भी आरओएम में यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा रहेगा, ये मेंबर्स भी हैं, एंड व्हाटएवर राइट्स इज अवेलेबल टू द मेंबर वो राइट इनको भी अवेलेबल होंगे, बस इनका नाम मेंबर आरओएम में भी लिखा रहेगा, बस इनको 200 की लिमिट में हम काउंट नहीं करेंगे। मतलब फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी, इन लोगों को क्या नहीं किया जाता, काउंट नहीं किया जाता, बट रेस्ट ऑल राइट्स विच आर अवेलेबल टू द प्राइवेट कंपनी मेंबर्स वो इन मेंबर्स को भी मिलेंगे। बोलो ना, हाँ हाँ सर, वो इन्हें भी मिलेंगे। इज इट क्लियर, राम ने ये आंसर, राम ये जो क्वेश्चन था ना, ये राम ने सबसे पहले पूछा था, ना लायक बेवकूफ। सर क्या इन 100 लोगों को डिविडेंड मिलेगा, यस सर। क्या इन 100 लोगों को सर वोटिंग राइट मिलेगा, यस सर। अच्छा, कंपनी की कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ मीटिंग्स जनरल मीटिंग्स होती हैं, एजीएम हो गया, ईजीएम हो गया, आगे चलकर पढ़ेंगे क्या होता है। तो कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनका नोटिस जाता है, तो वो शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि हमें नोटिस मिले, क्या इनको नोटिस मिलेगा, यस सर इनको नोटिस भी मिलेगा, बस ये लोग लिमिट में काउंट नहीं हो रहे। इतनी बात ध्यान रखना, बस इतनी बात क्या रखना, ध्यान रखना। इज इट क्लियर, यस सर। अच्छा आगे एक चीज सुनो सर, जज्बात बदल गए, हाँ जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अच्छा एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा और हैवी बताता हूं, एक चीज सुनो। आगे चलकर एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 108, ठीक है, जनरल मीटिंग में। सेक्शन 108 जो है ना, वो ये बोलता है कि अगर एक कंपनी के मेंबर 1000 से ऊपर है, क्या बोला मैं, अगर एक कंपनी के मेंबर्स 1000 से ऊपर होते हैं, तो उस कंपनी को जब वोटिंग करवानी होती है ना, तो ई वोटिंग मैंडेटरी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी हो जाती है। यार नालायक तो मैं ऐसे प्यार से बोलता हूं, नालायक हूं सर।
ई वोटिंग जो है वो क्या हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है। अब मान लो एक प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी ने 1002 लोगों को शेयर दे दिए, सर दे ही नहीं सकते, दे सकते हैं ना, इसमें से 2 तो नॉर्मल वाले मेंबर हैं और 1000 जो है वो मेंबर प्लस एम्प्लॉई है। ये 2 जो है सिर्फ मेंबर है और ये 1000 जो है ये मेंबर प्लस एम्प्लॉई है। अब टोटल मेंबर नजर आ रहे हैं 1002, पर इन 1000 को तो हम 200 की लिमिट में काउंट ही नहीं करते। हमको साफ साफ मेंबर कितने नजर आ रहे होंगे, सिर्फ 2, पर उस कंपनी के टोटल मेंबर एक्चुअल में कितने हैं, 1002। तो अब बताओ ऐसी कंपनी के लिए ई वोटिंग कराना मैंडेटरी होगा या नहीं होगा, ऐसी कंपनी के लिए ई वोटिंग कराना मैंडेटरी होगा या नहीं होगा, सर होगा। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, इन लोगों पर बाकी कंपनीज एक्ट तो एज इट इज लगी रहे ना, बस इनको 200 की लिमिट में क्या नहीं कर रहे, काउंट नहीं कर रहे ना। ये स्वेट इक्विटी शेयर नहीं है, स्वेट इक्विटी शेयर की कहानी तो अलग होती है, इनको हम 200 की लिमिट में क्या नहीं कर रहे, काउंट नहीं कर रहे। क्लियर होगी बात? यस सर। तो ये 300 मेंबर्स में से 200 सिर्फ मेंबर हैं और 100 मेंबर प्लस एम्प्लॉई हैं, इन लोगों को मेंबर की लिमिट में 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, बट अदर राइट्स विच आर अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वो इनको भी मिलेंगे। अब आ जाओ सेकंड वाली कंडीशन को एनालाइज करने, खतरनाक वाली, जो पास्ट में एम्प्लॉय रहे हैं व्हेन दे वर इन द एम्प्लॉयमेंट, व्हाइल इन द एम्प्लॉयमेंट दे वर मेंबर्स, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब वो मेंबर थे, आज एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद वो अभी भी अगर मेंबर रहते हैं तो उन मेंबर्स को 200 के लिमिट में काउंट नहीं करते। ठीक है, आ जाओ केस एग्जांपल नंबर 1 लिखो इसको और यहां लिखो एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एक काम करना, ये जितने नोट्स में लिखवा रहा हूं, कल वाले नोट्स भी जो कल की क्लास हुई थी और जो आज वाले नोट्स भी, मैंने कल तुमको एक ये QR दिया था, ये QR स्कैन कर लेना और ये QR स्कैन करके टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, ये रहा, और ये वाले टेलीग्राम चैनल में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद ही इस वाले टेलीग्राम चैनल में ये नोट्स डाल दूंगा। ठीक, तो इस टेलीग्राम चैनल से आप वो नोट्स निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो। चलो अब आते हैं केस नंबर 2 पे, केस नंबर 2 पे, एग्जाम्पल नंबर 2। ओए नालायक, समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाओ, एग्जाम्पल्स नंबर 2 आओ, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2 और यहां लिखना, ये तो हो गया एनालिसिस ऑफ, ऐसे लिखो, ये 0.1 का एनालिसिस। अब मैं कराने जा रहा हूं एक्सेप्शन के पॉइंट 2 का एनालिसिस, एक्सेप्शन के पॉइंट 2 का एनालिसिस। ठीक है, ध्यान से एक नालायक पूरा लिख रहा है चैट पे 2, ओ ये करते रह करो नालायक, एक्सेप्शन के पॉइंट 2 का एनालिसिस लिखो। एक कंपनी है, उसका नाम है, चलो कंपनी का नाम तुम बताओ, जो तुम बोलो, तुम्हारी कंपनी बनाते हैं, जो तुम बोलो, जो तुम बोलो। ओए किसी का नाम मत लिखा कर यार चैट में, जो तुम बोलो, जो पहला नाम जो आएगा कंपनी का मैं वो लिख दूंगा, अनाप शनाप कुछ मत लिखना ऐसा कि मैं इधर लिख ही ना पाऊं। ठीक है, बच्चे क्या करता कुछ भी लिखते हैं, एक बार ये लिख के लिखो जरा, कह रहे नाम लिखो, ओ प्राइवेट लिमिटेड भगवान, ठीक है पप्पू प्राइवेट लिमिटेड, अबे यार ये देख यहां तुम्हारा कितना एक्टिव हो जाता है ना तुम एकदम भाई साहब फुल एक्टिव। देखो चलो जल्दी आओ, इधर हम लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं सर, मान लो एक कंपनी है, ये लेते ओ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ओ प्राइवेट लिमिटेड। ये जो ओ प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी में ना लेट से 170 मेंबर्स हैं, मैं लिख रहा हूं ऐसे 170 मेंबर्स हैं। अब मेरे साथ साथ चलना वरना इधर उधर हो जाओगे एकदम अनाप शनाप प्राइवेट लिमिटेड।
नामकरण जितने मर्जी करा लो तुमसे, इधर आओ, ये कंपनी है और इस कंपनी में कितने मेंबर्स हैं ऑलरेडी, 170 मेंबर्स हैं, ठीक है। कंपनी ने 20 एम्प्लॉइज को शेयर दे दिए, आपसे मैं सारे क्वेश्चन के आंसर चाहूंगा, बताओ क्या इनको 200 के लिमिट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, वेदर काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200 और नॉट, क्या इन 20 एम्प्लॉइज को 200 की लिमिट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या इन मेंबर्स को 200 की लिमिट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, वेदर काउंटेड इन 200 और नॉट, क्या इनको हम 200 की लिमिट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, आंसर इज नो सर, हम इनको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई मुरारी भैया, क्यों करेंगे तेरे ओपो लिख दीजिए, ओ अजीब लग रहा है, ये लो यार, ये लो फालतू प्राइवेट लिमिट, ठीक है, इनको हम 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर द प्रेजेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज हैं और मेंबर्स हैं, तो हम इनको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेप टू, अब ध्यान से सुनते जाना, ये जो 20 एम्प्लॉय थे ना, इन 20 एम्प्लॉयज ने जॉब छोड़ दी, लेफ्ट द जॉब बट कॉन्टिन्यूड टू बी अ मेंबर, और ये अभी भी मेंबर है, ये अभी भी मेंबर है। अब देखो वहां शब्द क्या लिखे थे, ये 20 एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयमेंट में थे, while in employment they were members and they continued to be the member after the employment cease, यानी अगर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ भी दी उसके बाद भी अभी ये मेंबर हैं, तो हम इनको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। मुझे बताओ इन 20 एम्प्लॉयज को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सर इन 20 एम्प्लॉयज को, इन 20 एम्प्लॉयज को भी हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, इन 20 एम्प्लॉयज को भी हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। सर इनको क्यों नहीं किया था, क्योंकि तब ये प्रेजेंट एम्प्लॉय थे, यहां क्यों नहीं किया था, क्योंकि सर तब ये प्रेजेंट एम्प्लॉय थे, और यहां क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर अब ये पास्ट एम्प्लॉय बन चुके हैं, ये एक तरीके से पॉइंट नंबर वन की वजह से बाहर हो गए, कौन से, ये वाले, ये पॉइंट नंबर वन की, ओए ये पॉइंट नंबर वन की वजह से बाहर हो गए सर, और ये पॉइंट नंबर टू की वजह से बाहर हो गए सर, इनको हम 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज दे वर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन देयर एम्प्लॉयमेंट एंड नाउ दे आर सीज टू बी द एम्प्लॉय बट कंटिन्यू टू बी द मेंबर, ये एम्प्लॉयमेंट से तो सीज हो गए हैं पर ये अभी भी किसमें है, एम्प्लॉयमेंट अभी भी किसमें है, मेंबर तो है, तो इनको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। आ गया, स्टेप थ्री, कोई बता सकता है अगला केस क्या होने वाला है, स्टेप थ्री में क्या होने वाला है? हाँ सर, ये जो 20 एम्प्लॉय थे ना, नाउ दिस 20 persons, अब ये एम्प्लॉय तो है नहीं, ठीक है, ये 20 persons, ये 20 एम्प्लॉयज ने लेफ्ट द जॉब प्लस सोल्ड द शेयर ऑल्सो, इन्होंने जॉब छोड़ी, बोले भगा कंपनी को, हट हमको कंपनी के शेयर्स भी नहीं रखने, और कंपनी के शेयर्स भी क्या कर दिए, बेच दिए। अब बताओ ये 200 के लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे, मान जाऊंगा तुमको अगर मैं इसका आंसर दे दिया तुम, तो ये 200, ये 20 एम्प्लॉयज ने कंपनी छोड़ी, बोले हटा हमको इस कंपनी के शेयर्स भी नहीं चाहिए, चल, और कंपनी के शेयर्स भी बेच दिए, ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे, मैं तुमको मान जाऊंगा तुम्हारे पास दिमाग है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, यस या नो, यस या नो, एक आंसर आ रहे हैं यस, आंसर आ रहे हैं नो, तरुण सिंह यस होंगे, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, आंसर इज
नॉट एप्लीकेबल। थप्पड़ मार लो, एक एक ऐसे करो, ऐसे प्यार से करो, ऐसे करो, ऐसे ता ऐसे मारो अपने आप को। अबे नालायक हूं, जब इनके पास शेयर ही नहीं है तो मेंबर कहां से हुए? ये 200 की लिमिट की तो बात ही नहीं है कि 200 की लिमिट देखेंगे नहीं देखेंगे, ये सब तो देखना ही नहीं है। वो गधो, इनके पास तो शेयर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई? नो या यस तो तब आएगा ना जब इनके पास शेयर होंगे। इनके पास शेयर होंगे तो मेंबर होंगे, मेंबर होंगे तो देखेंगे 200 में आएंगे नहीं आएंगे। इनके पास तो शेयर ही नहीं है, और अगर इनके पास शेयर ही नहीं है तो ये क्या देखना ये 200 के लिमिट में आएंगे या नहीं आएंगे। सॉरी बोलो। अच्छा सर, ठीक है, हो जाती है कभी कभी गलती। लिखो, नहीं होंगे और नॉट एप्लीकेबल इज द सेम थिंग। हमारे आंसर को गलत बोलेगा। नहीं होंगे का मैं, तुम ये बोल रहे हो कि ये मेंबर तो है पर 200 की लिमिट में नहीं आएंगे, और नॉट एप्लीकेबल का मतलब है ये क्वेश्चन ही एप्लीकेबल नहीं होता, ये बनेगा ही नहीं मेंबर वाले केस, क्योंकि बंदे के पास शेयर्स ही नहीं है। चलो आओ, अब मान लो इन 20 लोगों ने फिर शेयर खरीद लिए, इन 20 पर्सन ने अगेन परचेस्ड द शेयर्स। अब इन लोगों ने 20 लोगों ने फिर शेयर खरीद लिए, अब इन लोगों ने दोबारा से क्या खरीद लिए? शेयर्स खरीद लिए। कह रहे जब ऊपर वाला क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल था तो पूछा क्यों आपने? बताऊं अभी? पूछा क्यों आपने? ताकि तुमको फंसा सकूं। इधर आओ। अब ये 20 लोगों ने दोबारा से क्या खरीद लिए? शेयर्स खरीद लिए। आप मुझे बताओ, क्या इन लोगों को अब मेंबर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जल्दी बोलो यार, 200 लोगों की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे? 200 की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे? सर 100% एब्सोल्युटली यस, अब काउंट होंगे। सर पर ये तो पास्ट में एम्प्लॉय रहे। ना, पास्ट एम्प्लॉय तब माना जाता है जब तू पास्ट में एम्प्लॉयमेंट में था, तब तू मेंबर था, और उसके बाद तेरी एम्प्लॉयमेंट हटी और एम्प्लॉयमेंट हटने के बाद भी यू आर कॉन्टिन्यूड टू बी अ मेंबर। बेटा ये एम्प्लॉय था, इसके पास शेयर्स भी थे जब ये एम्प्लॉयमेंट में था, उसके बाद इसने क्या करा? जब ये शेयर्स थे इसके पास, ये एम्प्लॉयमेंट में था, फिर उसके बाद इसने जॉब छोड़ी, ही कंटिन्यू टू बी अ मेंबर, उसके बाद इसने शेयर भी बेच दिए, तो ये कुछ भी नहीं रहा। तो यानी इसकी बी वाली जो कंडीशन थी ये उससे बाहर आ गया, यानी ये पास्ट एम्प्लॉय की डेफिनेशन से बाहर निकल गया। अब ये एक नॉर्मल पर्सन था, और जैसी अब ये नॉर्मल पर्सन की तरह दोबारा ये 20 लोग शेयर खरीद रहे हैं तो दे आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल मेंबर्स, तो इनको काउंट किया जाएगा। क्योंकि तो जब ये लोग एम्प्लॉयज थे, आई अग्री, देखो स्टार्टिंग में ये लोग क्या थे? एम्प्लॉयज थे, बट इन एम्प्लॉयज ने क्या करा? जब जॉब छोड़ी, बट दे कंटिन्यू टू बी द मेंबर। यहां तक ये पास्ट एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते थे, एक्सेप्शन नंबर 2 में आते थे, तो हम इनको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करते थे, पर जैसे इन्होंने शेयर बेचे ये बी वाली एक्सेप्शन से बाहर निकल गए। बी वाली एक्सेप्शन से बाहर निकलने का मतलब नाउ यू आर नथिंग फॉर द कंपनी, आप कंपनी के पास्ट एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आते हो। पास्ट एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ो, देखो एक्सेप्शन पढ़ो, पास्ट एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन लोग आते हैं? जो लोग पास्ट में कभी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे और तब मेंबर भी थे जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, यानी देवर इन द एम्प्लॉयमेंट एंड देवर मेंबर ऑफ द कंपनी, और अब उनकी एम्प्लॉयमेंट सीज हो गई बट दे कंटिन्यू टू बी द मेंबर, वो पास्ट एम्प्लॉय होता है। आपकी एम्प्लॉयमेंट तो हट गई पर आप मेंबर तब भी कंटिन्यू रहे, तो ऐसे मेंबर्स को हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते। बट सर जब इन 20 लोगों ने शेयर भी बेच दिए थे तो फिर कंटिन्यू टू बी मेंबर वाला केस खत्म हो गया ना। तो अभी 200 लोग पूरे कहां हुए? टोटल तो 170 थे ना। हाँ है ना, टोटल तो 170 थे, ठीक है, बोलो ना। हाँ ठीक है। अच्छा ये पता क्या कहना चाह रहा है? ये और दिमाग लगा रहा है, कह रहे सर ये जो 20 लोग हैं, बस मैं 5 मिनट में ऑफ कर दूंगा, ठीक है। जो ये 20 लोग हैं सर, ये 20 लोगों ने जिनको शेयर बेचे होंगे,
ये जो 20 लोग हैं इन्होंने जिनको शेयर बेचोगे वो 20 भी तो आए होंगे, तो कंपनी में ऑलरेडी 170 थे, फिर जो वो 20 आए होंगे तो 190 हो गए होंगे, अब ये 20 दोबारा से आएंगे तो 200 पार हो। किसने बोला? जरूरी थोड़ा है कि इन 20 लोगों ने 20 लोगों को शेयर दिए होंगे, क्या पता 20 लोगों ने एक ही बंदे को दे दियो तो 171 हो गए होंगे, और फिर अब ये 20 आ गए तो टोटल 191 है, चलेगा, कोई एग्जांपल गलत नहीं है, एकदम बढ़िया है। ठीक है सर, अब ये 20 लोगों ने दोबारा शेयर खरीद लिए, अब ये एम्प्लॉयमेंट में काउंट होंगे। लास्ट एग्जांपल, लास्ट सवाल, अगर इसका आंसर दे दिया, यू पीपल आर द ब्रिलियंट पीपल ऑन द अर्थ, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो सर। इसके बाद स्टेप 5, अगली क्लास में आते ही मैं इसके और कुछ क्वेश्चन बनाकर लेकर आऊंगा, रिविजन करेंगे इसकी भयंकर। ठीक है, अब ये जो 20% थे ना, इन 20% ने आफ्टर बाइंग शेयर, इन्होंने शेयर तो लिए लिए, दिमाग में आ गया होगा मैं क्या पूछने वाला हूं, अब इन्होंने शेयर तो लिए लिए प्लस इन्होंने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली, ज्वाइन द कंपनी एंड नाउ बिकेम एम्प्लॉय, अब ये एम्प्लॉय भी बन गए सर। अब इन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली और अब ये एम्प्लॉय भी बन गए, अगर टोटल 200 होते उस लिमिट पे तो फिर नहीं लग पाता ना, फिर तो नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट आ जाती। सर इन 20 लोगों ने शेयर्स खरीदने के बाद अब दोबारा से ये क्या बन गए? एम्प्लॉय भी बन गए। अब ये 200 की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे? आंसर इज सर, अब ये 200 की लिमिट में काउंट, यस या नो? आंसर इज नो सर। अब कोई मेरे को बता सकता है नो क्यों? क्योंकि सर ये नो इसलिए हुआ, अब ये प्रेजेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं और पॉइंट नंबर 1 की वजह से क्या हो गए? 200 की लिमिट से बाहर हो गए। अब ये 200 की लिमिट से बाहर, समझ में आ गई बात? Because they are now the present employee. Now they become the present employee. Sir, इनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 200 की लिमिट में बाहर हो जाएंगे सर। Now they are in the employment of the company. उसने क्या लिखा? ऐसे member जो in the employment हैं, जो अब आपके employee हैं, तो उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं ना, उसने एम्प्लॉय बनने से पहले परचेज किया, बट उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉय बना तो अब एक ऐसा मेंबर है जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है। और ऊपर लैंग्वेज पढ़ो ना, ये बेयर, ये मैंने थोड़ी लिखी, ये बेयर लॉ की लैंग्वेज है। ऐसा पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, जो मेंबर इन एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी जो अभी प्रेजेंटली एम्प्लॉयमेंट में होगा, हम उसे काउंट नहीं करेंगे, तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? और उसके बाद ये एम्प्लॉय भी बन गए तो फिर सर इसे काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी बोलो, इसे काउंट नहीं किया जाएगा। स्टेप 3 में एनए इसलिए लिखा क्योंकि 20 लोगों ने जब वो जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ने के बाद शेयर भी बेच दिए। अब मैं हूं, मान ले मैंने जॉब भी छोड़ दी, मैंने शेयर भी बेच दिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं, आप ये कैसे बोल रहे हो? बताओ आप उस कंपनी के मेंबर हो गए या नहीं हो गए? 200 में आओगे या नहीं आओगे? अरे 200 में तो तब आऊंगा ना जब मैं मेंबर तो हूं पहले, मैं तो मेंबर ही नहीं हूं, मैं तो शेयर ही नहीं है मेरे पास, तो मेरा ये क्या चेक हो रहा है कि मैं 200 के लिमिट में हूं या नहीं हूं? इसलिए वो क्वेश्चन पे मैंने एनए लिखा। बट फिर वही 20 लोगों ने क्या खरीद लिया? शेयर खरीद लिए, तो फिर क्या 200 के लिमिट में काउंट होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि सर वो तो पास्ट में कभी एम्प्लॉय रहे ना, पास्ट एम्प्लॉय उसे माना जाता है जो पास्ट में एम्प्लॉय था और एम्प्लॉयमेंट के बाद कॉन्टिन्यू टू बी मेंबर रहा। समझ में आई बात? बोलो बोलो, यस यस यस, क्लियर क्लियर, डन 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 डन, बोलो। और एक लास्ट बात बस मैं और लिखवा रहा हूं, सिर्फ एक मिनट और वो लास्ट बात यहां पर जो एक लाइन छोड़ी हुई है वो यहां पर लिख लो। इसके बाद यहां पर एक प्रोवाइजो डला हुआ है, लिखो प्रोवाइजो क्या होता है, लिखो प्रोवाइजो क्या होता है, लिखो प्रोवाइडेड दैट, provided that where, provided that where two or more persons hold, where two or more persons hold share in company, share in company jointly, share in company jointly, they shall be for purpose of this definition
बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। सर मतलब अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर जॉइंटली क्या करा, शेयर होल्ड करा, तो वो सिंगल मेंबर माना जाएगा। क्या बोला मैं, वो सिंगल मेंबर माना जाएगा। सर एग्जांपल बहुत इजी है, तो वेरी इजी सर। अगर मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, दोनों ने मिलकर के प्राइवेट लिमिटेड के 1000 शेयर्स ले लिए, तो ये लोग सिंगल मेंबर ही माने जाएंगे, इन्हें एक मेंबर माना जाएगा, इन्हें एक मेंबर माना जाएगा। दे शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, दे शैल बी ट्रीटेड, दे शैल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल मेंबर। क्लियर होगी बात, जल्दी बोलो। मजा आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। That we'll discuss in articles वाला chapter, राम नहीं श्वेता तब नहीं होएंगे, तनिष तब नहीं होएंगे, क्योंकि वहां क्या लिखा है, while in employment you were the member while in employment, ठीक है। सारी कहानी समझ में आई सर, कंपनी क्या होती है, और आज आज भयंकर तरीके से एनालाइज करा प्राइवेट कंपनी क्या होती है, एंड प्राइवेट कंपनीज ऑल टुगेदर ओवर अपने को स्टार्ट करना है पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी वही कंपनी होती है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पर मैं चाहूंगा आज जितना हुआ आज उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी मैं वही वाले टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, बट कल की क्लास में आते ही पहले मैं उसको स्टार्ट करूंगा और उसके तुम कुछ आंसर देने होंगे फटाफट से, एक बार कुछ क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, और वो टॉपिक रिवाइज होने के बाद अपना मस्त तरीके से जो है सारी कवरेज हो जाएगी। इज इट क्लियर, पक्का पक्का, जल्दी बोल दो ना, जल्दी जल्दी बोल दो। इसको बेटा अच्छे से रिवाइज करके आना, मस्त एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन, और बस डू शेयर विद एवरीवन, डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट द वीडियो। This is all for today. Thank you so much. Take care. Tata. Bye-bye. And keep working very, very hard, as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much. Bye-bye.